दूसरा लुक एंड फील डेफिनेटली नई है, बट आपने कुछ महसूस किया कि ये जो न्यू लुक एंड फील है ये कैसी सी है? मतलब कोई सिमिलर आपको कोई और वेबसाइट भी है जहाँ पे ये सिमिलर लुक एंड फील मिलती है? एंड दैट इज नन अदर देन अवर जीएसटी पोर्टल, बिकॉज जीएसटी पोर्टल भी इंफोसिस ही हैंडल कर रहा है और ये जो नया पोर्टल है ये भी इंफोसिस ही हैंडल कर रहा है, राइट? सो अब हम इस पे लॉग इन करते हैं, यहाँ क्या चेंजेस हैं? अभी तक हम जो लॉग इन करते थे या तो हम अपने पैन से करते थे या फिर हम अपने टैन से करते थे या फिर जो आपका ARCA यानी कि जो ऑथराइज्ड जो CA की बात करते हैं उसके लॉग इन से हम करते थे, राइट? अब एक और चेंज भी आ गया और वो ये, अब आप चाहें तो आप अपने आधार बेस्ड लॉग इन से भी, आधार नंबर से भी आप लॉग इन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका पैन और आधार दोनों ही लिंक्ड हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू लॉग इन यूजिंग आधार ऑल्सो। इन द मीन टाइम देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर वाई पुरी, बिकॉज आई हैव नॉट स्टार्टेड, आई बिलीव, मेरे को ऐसा लगता है मनीष जी आज हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कर लेने चाहिए क्योंकि शायद मैक्सिमम लोगों ने इस पोर्टल को आजमा तो लिया ही होगा अब तक जो है। तो पहला क्वेश्चन है भाई पुरी जी का आया, वो ये कि सेवरल फॉर्म्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल ऑन द न्यू पोर्टल एंड एक्सटेंशन इन सेवरल कंप्लायंस आर स्टिल नॉट बीन मेड, बट बिटवीन द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द असेसेस फॉर द डिले। सर अल्टीमेटली यू विल नॉट बी पेनलाइज ओनली बिकॉज ऑफ नॉन वर्किंग ऑफ पोर्टल, राइट? बिकॉज देर इज अ लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑल्सो, अगर मैं कोई चीज कर ही नहीं सकता तो हाउ कैन यू पेनालाइज मी, राइट? तो मेरे हिसाब से आपको कोई ना कोई इसमें या तो एक्सटेंशन आएगी ही आएगी, जो जो फंक्शनैलिटीज काम नहीं कर रही है, जो जो रिटर्न्स फाइल नहीं हो पा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो डेट है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो गई है, 15 CA CB के लिए उन्होंने ऑलरेडी जो है 30 जून तक का टाइम दे दिया था, बट मैंने सुना है शायद कि 15 CA CB काम कर रहा है, बट मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा तो 15 CA CB तक फाइल नहीं हुआ और इनफैक्ट अब तो 15 CA CB का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई प्रोसीडिंग की बात करता हूँ मैं, ई प्रोसीडिंग कल ही एक्टिवेट हुई है, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे नोटिस आए थे जिसकी जो ड्यू डेट थी वो 7 जून थी, यानी कि जिस डेट को पोर्टल स्टार्ट होना था उस डेट तक मेरे को वो रिप्लाई फाइल करना था। 7 जून को क्या चल रहा था आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक सेकंड होल्ड करना। मनीष जी आई थिंक मेरी आवाज फिर से चली गई है। आ रही हूँ, ठीक आ रही है। हेलो, मैं इसलिए मैंने मोबाइल पे भी लॉगिन कर रखा है। लेट मी स्विच ऑफ माय करेक्ट कर लो। और मैं अपने लैपटॉप पे जो है सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग रखता हूँ। आई होप दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। आई रियली डोंट नो, आज लैपटॉप को ज्यादा ही तंग कर रहा है मुझे, गर्मी ज्यादा है ये ना, पैसा कोई
सही कहा आपने भाई, निकाल लो सर, हो जाता है। इन द मीन टाइम क्वेश्चन, हाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। सो पुरी साहब, आपको मेरे हिसाब से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट जो इसके जो रिलीफ है वो आ ही जाएगी आपको, जो है ऐसे नहीं आएगी तो कल को अगर आपको मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई इनवर्स एक्शन लिया जाता या कोई एडवर्स एक्शन लिया जाता तो आई बिलीव जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे या अपील में जाएंगे तो आई बिलीव प्रॉपर इट विल बी टेकन केयर प्रॉपरली, बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है। और ये प्रॉब्लम तो जो है डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि ये प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है। सो आई बिलीव आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज को लेकर, एज फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स आर कंसर्न। इनफैक्ट जैसे मैं आपको बता रहा था ई प्रोसीडिंग के बारे में, मेरा ई प्रोसीडिंग का जो है 7 तारीख का ड्यू डेट थी, 7 तारीख तक मैंने रिप्लाई नहीं फाइल कर पाया तो फाइनली मैंने उसको कल रिप्लाई फाइल करा है। तो दैट डज नॉट मीन कि मेरा मेरे लिए कोई मेरे और दैट वाज अ 271(1)(c) नोटिस जिसके अगेंस्ट मुझे रिप्लाई फाइल करना था। आज इसने प्रॉब्लम ही देनी है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक ये हो गया। मनीष जी, अगर कोई और क्वेश्चन तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे, बिकॉज आज थोड़ा सा चीजें जो सेट नहीं हो रही हैं। नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। जैसे कहते ना कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। थोड़ा सा नेट आज मेरा शायद गड़बड़। तो जैसे मैं कह रहा था कि लॉगिन करने के अब कई रास्ते हैं। पहले हम केवल पैन और टैन से ही लॉगिन कर सकते थे, अब आज की डेट में आप पैन के बेसिस पे भी लॉगिन कर सकते हैं, आधार के बेसिस पे भी लॉगिन कर सकते हैं और टैन के बेसिस पे भी लॉगिन कर सकते हैं। राइट। अब दूसरा जो मेजर चेंज आया वो ये कि अगर जब आप लॉगिन करते हैं तो पहले आप पैन और पासवर्ड दोनों इकट्ठे डाला करते थे, राइट? अब आपके सामने केवल पासवर्ड डालने की ऑप्शन तो आ ही नहीं रही,
नीचे हाउ टू डू इट बिकॉज़ आवर सिस्टम बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है. शुड आई डू वन थिंग, मैं किसी और लैपटॉप से लॉगिन करूं क्या? मेल उसमें क्या सब पैसे नहीं है, और उसको देखो पैसे का कोई नहीं है इसमें. मेरी रिक्वेस्ट है सभी मेंबर्स से कि प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए. अब आप देखेंगे जब मैंने अपना पैन लॉगिन करा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रही है. एक मैं अपने पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकता हूँ, दूसरा मैंने जो अपना मोबाइल नंबर आधार में डलवा रखा है मैं उसके थ्रू भी मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ. अब मैंने रिक्वेस्ट डाली है तो आधार से जो मेरे पास ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यूज करके मेरे को इस पे लॉगिन करना है. ये देखिए तो आप आधार बेस्ड लॉगिन भी कर सकते हैं. कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको अपने यूजर आईडी का पासवर्ड ही याद ना हो, राइट, या आप भूल गए हो, या आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे आपको एक्सेस करना है और आपके पास पासवर्ड की अवेलेबिलिटी इमीडिएटली नहीं है, राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट use this new facility that where you can log in using your Aadhaar also. एक और जो major change आया वो ये कि वो है in relation to DSC registration. अभी तक आप multiple roles अगर आपके हैं, for example आप अपनी रिटर्न एज एन इंडिविजुअल भी फाइल कर रहे हैं, आप एज ए एच एफ के कर्ता भी अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या आप एज ए पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या एज ए कंपनी के डायरेक्टर आप कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, राइट. तो दोनों ही सिचुएशन में या उन सभी सिचुएशंस के अंदर आपको अलग अलग आप दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन जो डीएससी का रजिस्ट्रेशन था वो अलग अलग करना पड़ता था. इंडिविजुअल के केस में आप अलग रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर आप कंपनी में जाके डीएससी का रजिस्ट्रेशन अलग करते थे, या फंक्शनैलिटी में एक मेजर चेंज आ गया.
जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में जाके आपको जो ऐड की पर्सन की डिटेल है आपको वो ऐड करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने अपना पैन डाला, तो जैसे ही मैंने पैन डाला तो मेरा नाम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपअप हो गया और ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है कि मेरा DSC ऑलरेडी रजिस्टर है और ये 17 जुलाई 2023 में जाके एक्सपायर होगा। ये 17 जुलाई 2023 में जाके एक्सपायर होगा। तो मुझे ऐसा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उसमें उसके की पर्सन की डिटेल को ऐड करना होगा। अब अगर मैं कंपनी के केस में जाता हूं तो कंपनी के केस में आपको ऑलरेडी की पर्सन की जो डिटेल है वो एडिट मिलेगी, वो एडिट मिलेगी। तो आपको जाके केवल उसको एडिट में जाना है। एडिट में जाके आपने जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल नंबर नहीं है डायरेक्टर का या उसका ईमेल आईडी नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है। और एक खास बात, जब मैं ये की पर्सन की डिटेल में जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और लेट से मैंने यहाँ एडिट किया, यहाँ देखेंगे आप दो चीजें ऑप्शन मिलेगी आपको, ऑथराइज टू ई वेरीफाई एंड अपॉइंटमेंट एज ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको अगर उस डायरेक्टर को आप ऑथराइज करना चाहते हैं, अगर आप उस डायरेक्टर को ऑथराइज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसको यहाँ पे ऑथराइज करना है। अगर आप उसको एज ए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। एंड लेट मी टेल यू कि केवल एक ही प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट ऐड हो सकता है, मल्टीपल प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट ऐड नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये आया, ये प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट की जरूरत क्यों है जब मैंने उसको एज एन ऑथराइज कर दिया, ई वेरीफाई कर लिया। जरूरत इसलिए है कि कल को अगर मान लीजिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन चूज करनी है, आपको मल्टी या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपको एक्टिवेट करनी है, तो वो जो ऑप्शंस हैं फॉरगॉट पासवर्ड की यूजिंग आधार और DSC ऑफ द डायरेक्टर और द पार्टनर, इट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली यूजिंग द वन हु हैज बीन ऑथराइज्ड और हैज बीन सेट अप एज अ प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट। अगर जब तक आप प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट को यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन जो है आपको अवेलेबल नहीं रहेंगी। इन द मीन टाइम प्रतीक आनंद जी का मैसेज आया, इज ई प्रोसीडिंग वर्किंग नाउ? तो यस प्रतीक जी, ई प्रोसीडिंग की वर्किंग प्रोसीडिंग जो ई प्रोसीडिंग काम कर रहा है। इनफैक्ट मैंने कल ही एक ई प्रोसीडिंग का रिस्पांस फाइल किया है लाइक दिस। अभी चूंकि इस पर्टिकुलर लॉगिन के ऊपर जो है ई प्रोसीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इन द मीन टाइम आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। इसको स्टॉप करता हूं शेयरिंग को। इन द मीन टाइम AK श्रीवास्तव जी का चैट पे एक मैसेज आया हुआ है, ऑन लॉगिन इनटू द पोर्टल योर प्रोफाइल मे नॉट बी फुली अपडेटेड, फॉर एग्जांपल द एड्रेस एज पर पैन इज नॉट कंप्लीट एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस एज पर आधार, दिस में नेसेसिटेट अपडेशन ऑफ एड्रेस इन पैन। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ श्रीवास्तव जी, कि यहाँ पे जो प्रोफाइल के अंदर जो आपका एड्रेस है इट हैज नथिंग टू डू विद योर पैन एड्रेस, राइट? अगर आपका एसएच चेंज हो गया है एड्रेस तो डेफिनेटली आप जो है अपने पैन में जाके आपका एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पैन में मेरे घर का एड्रेस है, राइट? मेरे पैन में मेरे घर का एड्रेस है, बट जब मैं प्रोफाइल में जाता हूँ तो प्रोफाइल में मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस डाल रखा है।
तो दैट डज नॉट मीन कि मेरा प्रोफाइल, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में एड्रेस मेरे ऑफिस का है, मेरे घर का नहीं है, तो मेरा प्रोफाइल गलत है या मैं रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकता. नहीं, ऐसा नहीं है. ओनली थिंग इज कि जो आप प्रोफाइल में एड्रेस डालते हैं और जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो रिटर्न में आपको एक प्रीफिल्ड डाटा मिलता है. दैट प्रीफिल्ड डाटा इज पिक्ड फ्रॉम योर प्रोफाइल ओनली, नॉट फ्रॉम योर पैन. तो प्रोफाइल, जैसे पहले प्रोफाइल में एड्रेस डलता था वो डिफरेंस हो सकता था पैन से, आज भी आप प्रोफाइल में आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर पैन. तो दैट डज नॉट मीन कि सिंपली बिकॉज आई हैव अपडेटेड माय एड्रेस इन प्रोफाइल, पैन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड, राइट? पैन मेरे घर के एड्रेस पे और प्रोफाइल में मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस डाल रखा है, इट्स परफेक्टली फाइन. In the meantime, Pratik Anand ji ne pucha tha, is e-proceeding working now? Yes, it is working. Let me show you some screenshots. Hopefully, these are working on my screen. फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है. आज मुनीष जी थोड़ा दिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे. इन द मेन टाइम दीपांशु जी का एक क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर आया कि नॉट एबल टू डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ टीडीएस रिटर्न फाइल थ्रू प्रीवियस इनकम टैक्स पोर्टल हियर. सर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी 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 क्लियरली, पोर्टल जिस शेप में है इस वक्त ये बहुत ही क्रूड शेप के अंदर है. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे पोर्टल 1.0 था वैसे ही ये काम करे स्मूथली, तो उसमें अभी टाइम लगेगा. अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जो सेटल नहीं हुए. अभी ये आई थिंक स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें अब एक्टिवेट हो रही हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक ई प्रोसीडिंग का इश्यू चल रहा था, अब ई प्रोसीडिंग जो है अब आपकी काम कर रही है, राइट? तो इन द मीन टाइम लेट मी सी इफ आई कैन ओपन, सिस्टम मेरा मेरे को साथ नहीं दे रहा है मेरा. जनरली इट्स अ वेरी हाई फास्ट सिस्टम बट आज आई रियली डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू इट. इज इट बिकॉज ऑफ जूम और व्हाट, आई रियली डोंट नो. And I am really feeling very bad. दीपक जी आप verbally explain कर दें, मैं बता देता हूँ सर. पर क्या ना कि ई प्रोसीडिंग है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ई प्रोसीडिंग का सवाल था कि ई प्रोसीडिंग खुली है या नहीं खुली है, बिल्कुल खुली है. इन द मीन टाइम दीपांशु जी ने कहा ई प्रोसीडिंग इज वर्किंग बट इन वन ऑफ द माई केस आई एम नॉट एबल टू सी द नोटिस रिसीव्ड इन द ओट पोर्टल हियर. So how to send reply for the same? Sir, मैं सिर्फ यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप उस पोर्टल का जो है एक तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, दूसरा इसमें ग्रीवेंस की ऑप्शन है. इवन दो जो मैंने सुना वो ये भी है कि ग्रीवेंस डालने से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है. तो मेरी सजेशन तो यही है कि
आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और कल को जब वो नोटिस अवेलेबल होगा तो आप उसके अगेंस्ट रिप्लाई कर दीजिए। अगर उसका कोई नया नोटिस आया हुआ है या उसी प्रोसीडिंग के रिलेशन में अगर कुछ चल रहा है तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप उसमें फिर आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए। बट ये इशू है अभी कि इवन दो ई प्रोसीडिंग हैज बीन एक्टिवेटेड बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू सी द नोटिसेस। इवन तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मेरे को काफी सारे नोटिसेस पुराने दिख गए हैं, नए भी दिख रहे हैं, पुराने भी दिख रहे हैं। पर मेरी सजेशन यही है कि अच्छा एक और खास बात है, मान लीजिए आपकी लेट से पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है असेसमेंट ईयर 12-13 की और 2018 में आपको एक नोटिस आया था राइट, और अब एक नया नोटिस आ गया, तो वो दोनों नोटिस आपको एक ही जगह क्लब्ड मिलेंगे। तो अगर कोई अगला पिछला कोई भी अगर उसका नोटिस अवेलेबल है तो प्लीज उस पर फाइल कर दीजिए, या उससे कनेक्टेड कोई अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उस पर फाइल कर दीजिए। एटलीस्ट कम से कम कल को आपको ये जस्टिफाई तो कर सकते हैं कि हाँ ये अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये रिप्लाई फाइल कर रखा है। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि अभी आप वेट करें, अभी आप जल्दबाजी में कुछ भी फाइल ना करें अनलेस एंड अनटिल इट्स टाइम प्रेसिंग राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न के ऊपर सजेशन दूंगा कि प्लीज डू नॉट अपलोड एनी रिटर्न राइट नाउ, या टीडीएस की रिटर्न आप प्लीज अभी अपलोड ना करें क्योंकि अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं और काफी सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस थोड़े नहीं काफी सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा 15 CACB भरने का भी प्रोसेस चेंज हो गया है। अभी तक क्या होता था कि 15 CB मैं इंडिपेंडेंटली भरता था बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर प्रॉब्लम चल रही है।
मनीष जी, आई थिंक आज दिन अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी मेरे लैपटॉप से चैलेंज आ रहा है, कहीं कहीं से चैलेंज आ रहा है, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी 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 बैड टुडे। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सर? मनीष जी, आर यू देयर? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी दीपक जी, सॉरी सॉरी सर, आज आज आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा इसी में। आई थिंक आज आज थोड़ा दिन बैड 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 है, कुछ कुछ भी चीज जो है ढंग से नहीं हो पा रही है। मेरा मोमेंटम भी नहीं बन पा रहा है बोलने का, जो उस कारण से। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दोनों आ गए, ठीक हो जाएगा। इन द मीन टाइम गौरव भाई भी आ गए हैं। गौरव जी आ गए, ठीक हो जाएगा। करो सर, एनआईआरसी अब यहां आ गई है तो ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं आज डिजिटल टैक्स का टॉपिक है तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिजिटल टैक्स, राइट भाई। अभी आप ही कंटिन्यू करो, मैं अभी बस ट्री प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन वाले दो कैंप से आया हूं। मेरा चेहरा आप देख चुके हैं कि 44 डिग्री की धूप में काफी डार्क हो गए हैं। डार्क है, आप तो दिखा, हमारा चेहरा तो हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं। दीपक जी आप ऐसे दीपक जी आप ऐसे बिना स्क्रीन के कर लो, कोई बात नहीं। तो आप कॉन्टिनर को दीपक भाई और मुनीश भाई मेरी जगह अभी एक एससीपी सेशन में इतने थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, एंड वंस श्वेता विल बी डन विद एससीपी आई विल टेक इक्वलाइजेशन बाय। राइट राइट। Okay. In the meantime, I am also able to open my other window. Or okay, yeah. So can you see this? Yeah, yeah. Okay. तो ये कुछ एक स्क्रीनशॉट्स थे जो मैं जब कल आया था तो उससे मैंने ये डाउनलोड करे हैं। तो अगर आप देखेंगे अच्छा, दो तीन चीजें मैं जो चेंजेस आई हैं ई प्रोसीडिंग बता देता हूं। पहली बात तो अभी तक जब मैं ई प्रोसीडिंग किया करता था तो या तो मुझे डीएससी लगाने की ऑप्शन थी या मैं ईवीसी यूज कर सकता था, और कई केसेस में तो मैंने बिना ईवीसी डीएससी के बेसिस भी मैंने ई प्रोसीडिंग में जो रिप्लाईज हैं वो फाइल करे हैं, राइट। अब ऐसा नहीं होगा, आपका रिप्लाई जाएगा या आपका आधार बेस्ड ओटीपी, जैसे मैं दिखाता हूँ ऑप्शंस क्या क्या है, ये देखिए, ये वाली है, ये अवेलेबल रहेंगी आपको। या तो आप अपना आधार बेस्ड जो ओटीपी है उसके उसको सबमिट कर सकते हैं, आपके पास ईवीसी की ऑप्शन है, चाहे वो नेट बैंकिंग की हो, बैंक अकाउंट के थ्रू हो या डीमैट अकाउंट के थ्रू हो, अब आप जो है अपना ई वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं आपके ई प्रोसीडिंग अकाउंट के अंदर, लाइक दिस से आपका जो है आप डीएससी लगाते हैं और इस ढंग से आपको रिप्लाई है वो फाइल हो जाता है, राइट। आप चाहे तो अपना रिस्पांस देखना चाहे रिस्पांस भी देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये रिस्पांस कैसे थे, लाइक दिस। जैसे एक आउटस्टैंडिंग डिमांड फाइल करा वो भी हो गया। एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि रिस्पांस फाइल करें उसमें जब आप टाइप करते हैं रिस्पांस को तो उसमें स्पेशल करेक्टर्स का ध्यान, कुछ स्पेशल करेक्टर्स ऐसे हैं जो अलाउड नहीं है, अगर आप उसको डालेंगे और रिप्लाई तो आपका जो रिप्लाई है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और ये मैंने हार्ड लेसन लर्न के अंदर। तो जो स्पेशल करेक्टर खास करके मेरे केस में जो प्रॉब्लम आ रही थी डबल क्योट की,
जैसे हम इनवर्टेड कॉमास लगाते हैं, डबल कोट लगाते हैं, राइट? तो अगर आप वो डबल कोट लगा रहे हैं तो वो आपका रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करेगा. कर्ली ब्रैकेट ले लेता है, राउंड ब्रैकेट कॉमा ले रहा है, फॉरवर्ड स्लैश ले रहा है, बैकवर्ड स्लैश ले रहा है, लेकिन जो कोट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा. कल तक जब आप ई प्रोसीडिंग में अटैचमेंट लगाते हैं तो अदर्स की ऑप्शंस नहीं थी, मुझे बताया हो गई है, तो लेट मी सी इफ दैट हैज बीन एक्टिवेटेड और मेन टाइम आप इफ यू अलाउ मी. आई थिंक आप सिस्टम थोड़ा सा बेटर. मैं एक फाइल खोल रहा हूं इन द मेन टाइम. तो मैंने ये लॉगिन किया. सो कैन यू सी दिस इज अ लाइव वन. यस, ये मैंने लॉगिन करा, राइट? आप देखेंगे तो सारे नोटिसेस मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और एक जगह आपको देखेंगे यहाँ दो नोटिसेस भी नजर आ रहे होंगे आपको. जैसे मैं यहां गया, राइट, लाइक दिस, सबमिट रिस्पॉन्स पे गया. जैसे फॉर एग्जांपल फुल रिस्पॉन्स लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन रहेगी, आप यहाँ चाहिए, और अभी ये अदर्स आ गया है. पहले ये कल तक ये अदर्स की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी, तो अभी उन्होंने फाइनली अदर्स भी लगा दिया है. तो आपको अदर्स कितने चाहिए, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे 10 तक ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने 10 तक करा और इसको मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया. तो आप देखेंगे कि ऐसे 10 अदर्स की ऑप्शंस खुल गई हैं अब आपके सामने. तो आप उसके सामने, जैसे पहले आप अदर्स के सामने डिफाइन करते थे कि क्या अदर है, तो यू कैन सिंपली मेंशन इट हियर एंड देन यू कैन अटैच एंड फाइल योर रिप्लाई. अरुण भालला जी ने कहा प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन फाइलिंग ऑफ फर्स्ट अपील ऑन न्यू पोर्टल एज द न्यू पोर्टल इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिन नंबर व्हाइल फाइलिंग. यस सर, ये प्रॉब्लम अभी है एंड दिस प्रॉब्लम इज डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, जहां पे डिन वेरीफाई नहीं हो रहे हैं. तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा वेट करिए, बिकॉज अगेन मैंने शुरू में भी ये बात बताई थी कि पोर्टल अभी जो है ये आधा अधूरा, क्या मैं तो कह रहा हूँ अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है. अभी आपकी डेट में आप सिर्फ अपने डीएससी रजिस्टर कर लीजिए, आप जैसे ई प्रोसीडिंग में मैंने रिप्लाई फाइल किया है, ऐसे कुछ एक चीजें हैं जो आज की डेट में एक्टिवेटेड है. कुछ लोगों ने बोला है कि 15 सी हमने फाइल कर दिया, रिटर्न की ऑप्शन भी अवेलेबल है फाइलिंग की, खास करके ऑनलाइन रिटर्न की ऑप्शन तो अवेलेबल है ही, ITR 1 और ITR 4 की, आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा उसका भी बारे में बता सकता हूँ कि वो कैसे एक्टिवेट होगी, क्या यूटिलिटी चाहिए क्या नहीं है. बट अभी जो है, अनिल कुमार जी ने पूछा इन द मीन टाइम दैट यू मे टेक अप योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यू पोर्टल. जैसे मैंने आपको बताया सर, अभी अभी ये पोर्टल बहुत ही आप जैसे हम एक केक बनाते हैं, तो केक बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, तेल चाहिए, एसेंस चाहिए, शुगर चाहिए, राइट? जैसे काफी सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं. तो मेरे हिसाब से तो अभी वो जो मिक्सिंग होती है ये उस स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाया है अभी तो. तो ये बड़ा स्टेजेस में चल रहा है, राइट? इवन दो इट वॉज लॉन्च विद लॉट ऑफ फैनफेयर, छेत्री को आ जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस ये, यूजर एक्सपीरियंस वो, पर अभी यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही पुअर है. आई विल सजेस्ट कि अभी आप इससे थोड़ा सा दूर रहें, लेट इट स्टेबलाइज, मे बी 15 दिन में, 1 महीने में, और डेट्स तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड हैं ही. इनफैक्ट अपील फाइलिंग की डेट भी जो है एक्सटेंडेड है एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. तो मुझे लगता कि अभी कोई चैलेंज है सच जो है. लेकिन अगर कोई टाइम प्रेसिंग है आपका कोई मैटर, जैसे ई प्रोसीडिंग के बारे में बात करें, क्योंकि अभी तक तो ई प्रोसीडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, अब अवेलेबल है, देन यू कैन डू दैट. वो काम भी कर रहा फर्स्ट क्लास जो है. अदरवाइज जितना अवॉइड हो सकता है, फिलहाल जितना अवॉइड हो सकता है प्लीज अवॉइड करिए. आज जैसे मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि TDS रिटर्न्स ने अपलोड करी, एक्नोलेजमेंट जब जनरेट हुई तो एक्नोलेजमेंट के अंदर क्वार्टर वगैरह की डिटेल अवेलेबल नहीं है, एक. दूसरा,
वो रिटर्न की कॉपी भी अवेलेबल नहीं है, एक्नॉलेजमेंट उसने हाथ किया तो डाउनलोड कर दी, लेकिन जो वो दोबारा जाके देखने की कोशिश करता है वो रिटर्न ही अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उसको ये बोला कि अभी आप 10 सेंटर्स के थ्रू ही रिटर्न फाइल करें। तो कहता मैंने रिटर्न तो अपलोड कर दी, उस केस में मैं क्या करूं। तो मैंने उसको सजेशन दिया आप एक काम करो, अपनी रिटर्न को 10 के थ्रू भी अपलोड कर दो, क्योंकि उसने रिटर्न फाइल करी थी तकरीबन 26 या 27 जून को, आज 4 से 5 दिन हो गए हैं और वो रिटर्न ट्रेसिस पे अभी तक अपीयर नहीं हो रही है। तो मैंने यही सजेशन दी कि आप उस रिटर्न को 10 के थ्रू भी फाइल कर दीजिए, अगर रिटर्न मेरी यहाँ पे जो फाइल्ड है वो पहले जाके क्यू में लग जाती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और जो मैं 10 के थ्रू फाइल करूंगा रिटर्न वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये बाद में लगती है और 10 वाली पहले जाके लगती है क्यू में तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी और रिजेक्ट हो जाएगी। तो किसी की केस में जो है मेरे को नुकसान नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है इस चीज का जो है। और आज की डेट में कोई भी अगर आप TDS ITR 2 अलाउड नहीं है दीपांशु जी, अभी ITR 1 मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ITR 1 और ITR 4 तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने देखा है। इन द मीन टाइम लेट मी सी ITR 2 है या नहीं हुआ। अरुण भल्ला जी ने कहा एज अ 30 डेज विल बी ओवर देन द अपील फाइल विल बी विल कंटिन्यूशन। मुझे डाउट है सर इसमें, क्योंकि ऑलरेडी अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था, मैंने को डेट याद नहीं एग्जैक्टली वो किस डेट तक एक्सटेंडेड है, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी इशू करी थी उस इशू को लेके कि दोनों में से जो डेट आपकी हायर रहेगी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सर गोइंग फॉरवर्ड मिली शाहजी एक्सेल की कोई भी यूटिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, ओनली एंड ओनली इट इज द जावा बेस्ड यूटिलिटी जो अवेलेबल रहेगी डिपार्टमेंट की तरफ से। उसका रीजन तो सारा का सारा ये तो आज ही होने 500 साल हो गया कर दिया जी ना माइक, थैंक यू। ITR 3 की अभी यूटिलिटी नहीं आई है, यूटिलिटी जो आई है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, आएंगे कैसे वो प्रोवाइडेड की लैपटॉप मेरे को सपोर्ट करे आज। इन द मीन टाइम प्लीज अपने करते रहिए, जितना मेरे से होगा मैं जिसको जरूर कोशिश कर। मनीष जी एक बार मैं फिर से लैपटॉप पे दोबारा लॉगिन करता हूँ। ठीक है।
आज मेरा सिस्टम ही बैठ गया, अब सिस्टम पे लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ मैंने बोला आज कुछ 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 कर... सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज गूंज रही है, प्लीज थोड़ा क्लियरली बोले। हाँ पर आईटीआर पे बोलने के लिए मुझे वीडियो तो मैं ऑन ही नहीं कर रहा, कुछ होना चाहिए जिसको मैं देख के आपको बता सकूं। आप गौरव भाई को रिक्वेस्ट करो कि जल्दी वापस आए। दीपक जी सर मैं यही हूँ, सर मैं यही हूँ। श्वेता जी आ रहे थे, वो ही शुरू कर लेते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर आज काम नहीं कर रहा है कुछ भी। हाँ। एक मिनट श्वेता मैम। हेलो सर। हेलो, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम फ्रॉम दीपक भोलुसरिया जी ऑफिस, सो वी विल ऑर्गेनाइज सम अदर टाइम सेमिनार। नाउ आई रिक्वेस्ट श्वेता गर्ग, वाइफ ऑफ गौरव गर्ग जी, टू प्लीज टेक अस थ्रू द डिजिटल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी, एंड आई थिंक गौरव विल बी जॉइनिंग सून, राइट? Yes, sir. I would be covering significant economic presence, or later on, Gaurav equalization levy cover karenge. Yeah. So I will request you to please start the seminar. Okay. Okay. Thank you. Sir, screen sharing. आप एक बार मनीष जी, मैं आज जोड़ के माफी चाहूंगा पहले तो आज के लिए, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एग्जिट लेना चाहूंगा। एंड वेलकम श्वेता। थैंक यू दीपक जी, ऑल्दो आपके इश्यूज अभी तो ये अनएंडिंग इश्यूज है आईटीआर से रिलेटेड, आपका तो पूरा सेशन एक और लगेगा। हाँ मुझे लगता है क्योंकि मैं दोबारा से तैयारी के साथ दोबारा आऊंगा और इस ढंग से आऊंगा कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं आज, जो टीचिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए। मनीष जी इफ यू अलाउ मी, मनीष जी आर यू देयर? दीपक जी आई थिंक यू आर द होस्ट, सो प्लीज मेक अदर एज अ होस्ट, मी एंड श्वेता। एक सेकंड सर, मेरे को नहीं लगता मैंने आपको होस्ट बनाया होगा, आप ही हैं सर, पटेल नगर सीपी स्टडी सर्कल इज द होस्ट राइट नाउ। मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, इशू आ रहा है। तो मैं क्या ले रहा हूँ सर आपसे जो है, थैंक यू। जी जी जी, एक मिनट बता जी, मैं जरा देखता हूँ। हाँ जी अब्दुल को बुलाना है।
श्वेता जी ये दो मिनट लगेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से ना ये जो मेरे को करना है स्क्रीन शेयर वगैरह वो कुछ आ नहीं रहा है तो टेक्निकल इशू है, दो मिनट में देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है, 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं। श्वेता जी हेलो। हाँ जी, मैंने आपको कोच बना दिया, आप कर सकते हैं। ओके जी, हाँ अब ठीक है जी। अरे बेटे पटेल ने कर दिया, मैंने कोई लॉगिन नहीं, कोई लॉगिन नहीं, तो अपना अलग से बनाया करता। सर स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी विजिबल है स्क्रीन। ओके ठीक है, सो शैल आई स्टार्ट? स्टार्ट कर दीजिए। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द टॉपिक एलोकेटेड टू मी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एंड इन शॉर्ट एसईपी। सो आफ्टर दीपक जी सेशन जिन्होंने की बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज कवर करे हैं, सो आई वुड से कि दिस टॉपिक इज ऑल्दो नॉट सो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल राइट नाउ, बिकॉज ये जो एक अमेंडमेंट हुई है ये इनकम टैक्स एक्ट में हुई है, बट जो नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी और DTAA whichever is more beneficial to the non-resident. So considering that कि इनकम टैक्स एक्ट में तो अमेंडमेंट हो गई है लेकिन जो DTAAs हैं उनके अंदर अभी रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं हुई है, सो दिस विल हैव अ वेरी लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। जहां पे DTAA का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है नॉन रेजिडेंट को, देयर आई वुड से कि ये वाला प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज जहां पे DTAA एप्लीकेबल है नॉन रेजिडेंट के लिए वहां बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2021. As I said, this provision is contemporaneous, very new not in the sense of its existence, because ye jo provision hai ye finance act 2018 se hi income tax act mein introduce kar diya tha,
तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो न्यू है, बिकॉज 18 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब रूल्स बनाने थे गवर्नमेंट को इसके रिस्पेक्ट में, जो कि नहीं बने, तो फिर रूल्स ना बनने के कारण ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो पाया. बट नाउ रिसेंटली इन मे गवर्नमेंट ने रूल्स इसके प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, एंड दैट्स व्हाई नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन 1 अप्रैल 2021. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये प्रोविजन है क्या, कहाँ पर है एक्ट में, इसकी प्लेसिंग क्या है, और प्रोविजन बेसिकली क्या है जिसको कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हम बोल रहे हैं. So it is explanation 2A, inserted first by Finance Act 2018 with effect from 1 April 2019, and it is inserted in section 9 subsection 1 clause 1 of the act. But later on the rules was never prescribed, so it was not applicable, and then it was again reintroduced in Finance Act 2020 with certain 2022 means this is the assessment year. It is applicable from 1 April 2021. As we can see, ये जो section है 9(1)(1) में introduce हुआ है. So just to give the brief background of taxability of non-resident, कि section 9 की बहुत importance है non-resident की taxability में. Non-resident कब taxable होते हैं इंडिया में, वो section 5 determine करता है कि जब non इनकम इंडिया में आइदर एक्वायराइज हो रही हो या फिर रिसीव हो रही हो या फिर इनकम जो है डीम टू एक्वायराइज हो रही हो. जो सेक्शन 9 है वो स्कोप डिफाइन करता है इनकम का, दैट इज डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया. तो ये एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर देता है नॉन रेजिडेंट के ऊपर कि अगर तुम सेक्शन 9 में फॉल कर रहे हो तो यूर इनकम वुड कंसिडर कि डीम टू एक्वायराइज इंडिया में हो रही है, एंड दस यू इंडिया हैज अ टैक्सेबल नेक्सस ओवर यूर इनकम. तो सेक्शन 9 की जो स्ट्रक्चरिंग है, सबसे पहले कहते हैं कि द फॉलोइंग इनकम शैल डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया, और जो क्लॉज 1 है वो फिर 5 कैटेगरीज ऑफ इनकम प्रिस्क्राइब करता है कि दीज 5 कैटेगरीज शैल कंसिडर टू डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया. और वो 5 कैटेगरीज ब्रॉडली हैं बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, और from capital gain I think in India. तो जो first category है business connection. Business connection अगर India में पूरे act में कहीं पे भी define नहीं है, और business connection को हमेशा जो interpreted करा है वो judicial precedent, judicial pronouncements के through करा है कि courts ने उसका meaning define करा है कि business connection क्या होता है. और जो कोर्ट्स ने डिफाइन करा है वो भी बहुत वाइडर डिफाइन करा है. सो देयर इज नो फिक्स्ड रूल्स की बिजनेस कनेक्शन कब बनता है. और जो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 है उसमें एक्सप्लेनेशंस है बस, कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है. तो जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो बस एक ओनली एक्सप्लेनेशन है जो बिजनेस कनेक्शन का थोड़ा सा रेफरेंस हमें देती है. इंक्लूड द एजेंसी, इट विल इंक्लूड द डिपेंडेंट एजेंट्स विद इन इट्स स्कोप. अदरवाइज इसके अलावा कहीं बिजनेस कनेक्शन की कहीं कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या डेफिनेशन नहीं है एक्ट में. तो जो एक्सप्लेनेशन 2A है जो डिपेंडेंट एजेंट को इंक्लूड करती है बिजनेस कनेक्शन में, आफ्टर दैट एक एक्सप्लेनेशन 2A इंसर्ट हो गई है टू एक्सपेंड, जहाँ पे कि ये बोला गया है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी अब बिजनेस कनेक्शन फॉर्म करेगी इंडिया में. सो दिस इज हाउ द प्लेसिंग ऑफ दिस सेक्शन इज की नॉन रेजिडेंट के केस में जो बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड स्कोप है उसके अंदर इंसर्ट हुई है टू प्रिस्क्राइब द टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ बिजनेस कनेक्शन थ्रू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. अब ब्रॉडली अगर हम देखें जो प्रोविजन 2018 में आया था और जो अब प्रोविजन री इंट्रोड्यूस हुआ 2020 में, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, सो दैट आई एम मार्क्ड इन कलर ऑरेंज. इसके अंदर पहले जो था वो था फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड. क्लैरिफाइड वर्ड को बाद में 2020 में चेंज करके डिक्लेयर्ड कर दिया, बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी कि ये प्रोविजन क्या रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा.
बिकॉज क्लैरिफाइड वर्ड जनरली तब यूज करा जाता है जब प्रोविजन को रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया जाता है. तो दिस कॉन्ट्रोवर्सी वॉज रिमूव्ड बाई चेंजिंग द वर्ड क्लैरिफाइड टू डिक्लेयर्ड. तो इन फाइनेंस एक्ट 2020 नाउ द वर्डिंग्स इज फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड. तो डिक्लेयर्ड से अब ये क्लियर हो गया कि जो ये प्रोविजन है इट इज प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल एंड नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली. देन इन क्लॉज ए द वर्ड्स नॉन रेजिडेंट से बहुत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन. इनको चेंज करके कर दिया विद एनी पर्सन इन इंडिया. एंड सिमिलरली इन क्लॉज बी लास्ट में एक वर्ड से इन इंडिया थ्रू डिजिटल मीन्स और जो न्यू प्रोविजन रीइंट्रोड्यूस हुआ उसमें ये वर्ड्स नहीं है अब वो थ्रू डिजिटल मीन्स को रिमूव कर दिया. अब इसकी रिमूवल से भी क्या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट्स. सो दिस ब्रॉडली इज द प्रोविजन जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है एंड वॉट आर. बट बिफोर वी डू दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एस सी पी का प्रोविजन है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ एक्ट में. इसके पीछे क्या रीजन था, क्या प्रॉब्लम थी, इसका जेनेसिस क्या है. एंड टू अंडरस्टैंड दैट हमें थोड़ा सा जो इंटरनेशनल टेक्स्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको थोड़ा सा हमें डिस्कस करते हैं कि ये सेटल प्रिंसिपल है आज की डेट में कि अगर डबल टैक्सेशन हो रही है किसी तो जो रेजिडेंट कंट्री है उसके पास प्राइमरी राइट ऑफ टैक्सेशन होता है. एंड आफ्टर डेट अगर सोर्स कंट्री के अंदर नेक्सस एस्टेब्लिश हो जाता है नॉन रेजिडेंट की इनकम का तो सोर्स कंट्री को कुछ राइट दिया जाता है टू चार्ज द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट थ्रू DTAAs. अब ये जो नेक्सस रूल्स है कि सोर्स कंट्री के अंदर कब हम बोलेंगे कि नेक्सस एस्टेब्लिश हो गया है नॉन रेजिडेंट का कि सोर्स कंट्री को राइट मिल जाएगा टैक्सेबिलिटी का और ये जो डिसाइड हुआ है कि ठीक है हम सोर्स टैक्सेबिलिटी का क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे. Well, these rights were always there. So, but it is not like that. If we go in early 20th century, तो फिर we would see कि जब recognize हुआ कि double taxation की problem है उसको कैसे solve करे तो it was proposed कि जो right है वो resident country और source country के बीच में divide कर देते हैं. तो उस time पे इस बात के लिए जो developed nations हैं that were called as League of Nations वो कभी इस बात हम अपना राइट जो टैक्सेशन का है वो सोर्स कंट्री के साथ शेयर करेंगे बिकॉज दीज वर द कंट्रीज प्राइमरली वेयर द कंपनीज वर सेट अप और वो जो सोर्स कंट्रीज थी वहां पे जाकर के तो वो सेल करती थी लेकिन जो इनकी रेजिडेंस कंट्री थी वो बेसिकली डेवलप्ड नेशंस थे तो उन्हें लगा कि अगर हम सोर्स कंट्री के साथ राइट शेयर करेंगे तो उनके टैक्सेबिलिटी कम हो जाएगी उनकी कंट्री में. सो दे नेवर एग्रीड टू इट और उसी के लिए जो OECD मॉडल कन्वेंशन है दैट वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली जहाँ पे दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन. बट लेटर ऑन जब सोर्स कंट्रीज ने अपना पॉइंट रेज करा कि हमारा मार्केट है आप हमारे यहाँ सेल कर रहे हैं हमारे यहाँ काम हो रहा है तो सोर्स कंट्री शुड ऑल्सो गेट सम राइट्स ऑफ टैक्सेशन. तो UN ने टू सेफगार्ड देयर राइट्स एक नया मॉडल कन्वेंशन ड्राफ्ट करा दैट इज कॉल्ड एज UN मॉडल कन्वेंशन जहाँ पे सोर्स कंट्री को भी टैक्सेशन राइट्स दिए जाते हैं. तो दिस इज लाइक दिस इज ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए और होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. और ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है दिस हैज ग्रोन अलोंग विद द वे द बिजनेसेस हैव ग्रोन. सो एट दैट टाइम जब अर्लियर टाइम्स में जब ये डिसाइड हुआ कि ओके व्हेन इट वाज एग्रीड कि सोर्स कंट्रीज को भी हमें राइट देना है टैक्सेशन का देन प्रॉब्लम वाज कि अब ये जो राइट है ये सोर्स कंट्री को हम कब दें कैसे डिसाइड करें कि उनका नेक्सस है इस इनकम पे. तो उस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया कि जो बिजनेसेस होते हैं वो या फिर इंडस्ट्रीज थी फैक्ट्रीज थी
तो इट वॉज ऑब्जर्व कि अगर आपको किसी भी कंट्री में सेल करनी है, काम करना है, तो आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है ड्यू टू द रीजन कि लॉजिस्टिक बेनिफिट मिलेगा, कॉस्टिंग बेनिफिट मिलेगा, आप कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहोगे. ड्यू टू मैनी रीजन्स एक कंट्री बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए दूसरी कंट्री में काम नहीं कर सकती एक कंपनी. एट बिकॉज उस टाइम पे तो ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डिजिटली थ्रू इंटरनेट सब कुछ हो जाएगा एंड यू नीड नॉट. सो अकॉर्डिंगली दोज द रूल्स ऑफ नेक्सस वर फ्रेम्ड एट दैट टाइम कि हम फिजिकल प्रेजेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि एक कंपनी की दूसरी कंट्री में फिजिकल नेक्सस बनता है कि नहीं बनता है टैक्सेशन का. और उसी के अकॉर्डिंगली DTAAs में PE का प्रोविजन है as we can see, जिसके अंदर सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी अगर फिजिकल प्रेजेंस है तो. एंड दिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट प्रोविजन भी जो है वो लेटर ऑन बहुत डेवलप हुआ है. अर्लियर उसमें सर्विस PE या एजेंसी PE ही नहीं थे, बट एज बिजनेसेस सो द प्रॉब्लम नाउ वी सी इज दैट in the new ways of businesses, in the dynamic ways, no physical presence is required for any company in another country while they can make a significant amount of revenue from that country. So this was the one problem jiske karan ki ye jo SCP ka provision hai ye introduce hua hai. And we can even understand this by one simple example ki physical economy mein pehle kya tha. Aged in developing and selling professional books or wohi R&D perform karti hai and it owns local IP as well. And let's say it wants to sell certain goods in the source country and let's say this source country is India. To wahan pe wo kaise sell karegi customers ko hardcover books, because we are talking about physical economy. So you cannot sell it online or there are no online books. You have to sell the books in hardcover. To wahan pe wo ek agent appoint karte hai. और वो एजेंट जो है वो मार्केट रिसर्च करता है, ऑर्डर सॉलिसिट करता है, टेक आफ्टर सेल सर्विसेज. तो इफ वी सी द पीई कॉन्सेप्ट और द बिजनेस कनेक्शन कॉन्सेप्ट, दिस एजेंट विल फॉर्म द DAPE इन इंडिया, डिपेंडेंट एजेंट पीई, और अकॉर्डिंगली उसका नेक्सस एस्टेब्लिश हो जाएगा और इनकम ऑफ आर कंपनी बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एजेंट डन इन इंडिया, इट वुड बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया. बट अगर सेम थिंग हम इसको डिजिटल इकोनॉमी में देखें तो डिजिटल इकोनॉमी में अब क्या होगा, नो हार्ड कवर बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेल्ड, बुक्स वुड बिकम. तो आर कंपनी जो बुक्स पहले हार्ड कवर में सेल कर रही थी, अब वो उन्हें ऑनलाइन सेल करेगी, तो कुछ फिजिकल मूवमेंट है नहीं. देन ऑल्सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी एजेंट देयर, क्योंकि डायरेक्टली आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. और अब उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए भी एजेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन कैप्चर द डेटा ऑल्सो ऑनलाइन और दे कैन परचेज इट फ्रॉम सम अदर डिजिटल कंपनी लाइक गूगल. सो इससे हुआ क्या, जो एक डिजिटल, जो एक पहले नेक्सस प्रेजेंस थी एजेंट के थ्रू इंडिया में, वो प्रेजेंस अब नहीं है इंडिया में इन डिजिटल इकोनॉमी. लेकिन इफ यू विल सी द रेवेन्यू ऑफ आर कंपनी या प्रेजेंस ऑफ आर कंपनी, देन यू विल सी कि आर कंपनी का रेवेन्यू अर्निंग सोर्स कंट्री से अभी भी उतनी ही है. And not appropriate as per the digital economy. So अगर हम इस चीज को accept कर ले कि rules need to be revised और जो old rules थे that are not workable in the new form, तो डिजिटल इकोनॉमी और जो टैक्सेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी है, दैट बिकम्स वेरी इजी. एंड इफ वी कीप ऑन आर्ग्यूइंग ऑन दीज थिंग्स ओनली कि नहीं पहले वाले रूल्स अभी भी ठीक है, वो क्यों ठीक है, या फिर अभी भी टैक्सेबल प्रेजेंस कैसे बनेगी, देन रूल्स आर नॉट अप्रोप्रिएटेड दैट वर सेट अप अर्लियर एंड नाउ इनफैक्ट इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. So this was the first problem जिसके कारण कि SCP rules आए हैं. Then the second problem is treatment of data or user. जो एक नया resource create हो गया है in this way of digital invention of is the I will say coming up of data or users.
अभी जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो ड्राइव करता है इन डिजिटल बिजनेसेस को, वो है डेटा और यूजर. लेकिन उसको अभी भी एज अ रिसोर्स उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, या उसके लिए कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं प्रिस्क्राइब्ड है एलोकेशन रूल्स में भी. जब हम टीपी के अंदर भी आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन करते हैं मिलना चाहिए, उसमें डेटा या यूजर्स के लिए अभी कोई प्रिस्क्राइब्ड मेथोलॉजी या वैल्यू नहीं है. although these are one important force that are driving the businesses and that are generating revenue. Like this is one data that I have taken from UN Digital Economy Report 2019. इसमें उन्होंने दिखाया है कि यह बहुत important और उसकी खुद की एक value chain है और उस value chain के accordingly return भी होना चाहिए. उन कंट्रीज को मिलना चाहिए जहां पे कि ये सारी एक्टिविटीज हो रही है जो कि लैकिंग है अभी. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ विच न्यू रूल्स रिक्वायर्ड. देन अनदर थिंग इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ कि अभी तक ये इशू इतना लिटिगेटिव बना हुआ है. इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट things are not so clear कि software को आप royalty मानोगे, service मानोगे, goods मानोगे, how would you classify it? तो business इतने dynamic और इतने complex हो गए हैं कि जो पहले definitions define करी गई थी एक set of circumstances के लिए exactly fit नहीं होती है. So it becomes very difficult to characterize them and tag them accordingly. फिर allocation rules also need revision. राइट नाउ एज ऑफ नाउ वी ऑल नो कि जो रूल्स है मतलब एलोकेशन के यू कैन से ट्रांसफर प्राइजिंग रूल्स वो इवन नॉट ट्रांसफर प्राइजिंग मतलब नॉट ओनली रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज बट अदरवाइज ऑल्सो जो होती है कि एक एंटिटी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या एक्ट कर रही है. लाइक अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप का रिटर्न मिलेगा, एक मैन्युफैक्चरर है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग का रिटर्न मिलेगा. इस बेसिस पे प्रॉपर एलोकेशंस या प्रॉफिटेबिलिटी उनकी डिटरमिन होती है जो कि सारा सप्लाई साइड कवर करता है. लेकिन जो मार्केट फैक्टर है कितने यूजर्स हैं, आप कितनी सेल कर रहे हो, वो फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करा जाता वाइल एलोकेटिंग. So now this also needs to be revised because markets, it has been recognized ki markets are important factor jo ki revenue generation karte hain. So broadly I have highlighted the broader text challenges of digital economy due to which ye jo significant economic presence ka provision hai that has been introduced in the act jinse ye sare jo issues hain wo address ho sake. And this was in fact very rightly explained by the memorandum explaining finance bill 2018 jisse ki first SEP introduce hua tha, very aptly define karti hain is provision ke genesis ko and that are I will just read those lines. The oranges upon the trees in California are not acquired wealth until they are picked. Not even at that stage until they are packed, and not even at that stage until they are transported to the place where demand exists, and until they are put where the consumers can use them. So they have very rightly pointed out that the stages up to the point where wealth reach fruition may be shared by different territorial authorities. So yahan pe market ki importance ko bataya gaya hai ki मार्केट इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और अल्टीमेटली उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है. सो वी नीड द रिटर्न दैट नीड्स टू बी रेम्यूनरेटेड. जो प्रॉब्लम्स थी, जो ब्रॉडर टेक्स्ट चैलेंजेस मैंने हाईलाइट करे, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड. इसके लिए मतलब इंटरनेशनली दीज वर द कंसर्न ऑफ द कंट्रीज. और अब क्या हुआ, OECD ने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. अब तो हम सब इस वर्ड से बहुत वेल अवेयर हो गए हैं कि हाँ एक BEPS प्रोजेक्ट है और उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो उसमें जो एक्शन प्लान ने रिलीज करे थे, उसमें जो एक्शन प्लान 1 था
that was on tax challenges arising from digital economy and digitization. और उसके अंदर OECD ने सारे tax challenges को address किया जो digital economy से related है. और उन्होंने उन tax challenges को broadly two parts में divide करा. एक तो BEPS issues और एक broader tax challenges. तो जो BEPS issues थे digital इनके लिए वी नीड नॉट डू एनी सेपरेट वर्क. और जो हमारे और एक्शन प्लान्स हैं लाइक पी की डेफिनेशन में चेंज करना या फिर CBCR रिपोर्ट और इस तरह के जो एक्शन प्लान्स हम और ला रहे हैं उनसे ये सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे. लेकिन जो ब्रॉडर टैक्स चैलेंजेस थे जो कि अभी मैंने आपको हाईलाइट करे थे उन टैक्स चैलेंजेस के लिए OECD ने सर्टेनली प्रिस्क्राइब नहीं करा. And they just said कि we need to work more on for these broader tax challenges कि इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं. और तब उन्होंने तीन options propose करी कि out of these three options meanwhile countries adopt कर सकती हैं these three options जो कि थी equalization level, withholding taxes and significant economic presence. And इसमें से कोई ऑप्शन अडॉप्ट कर सकती है जब तक कि कुछ फाइनल सर्टेन प्रोविजन नहीं आ रहा. सो आफ्टर दैट जब ये एक्शन प्लान वन रिलीज हुआ तो मैनी कंट्रीज स्टार्टेड अडॉप्टिंग दीज प्रोविजंस और इंडिया वाज द फर्स्ट टू लेवी इक्विजेशन लिवाई इन 2016 और फिर 2018 में इंडिया ने SCPB भी इंट्रोड्यूस कर दिया था और सिमिलर कंजम्पशन टैक्स लगाया और कंट्रीज ने भी बहुत सारे टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए टू हैंडल द डिजिटल इकोनॉमी बिकॉज अभी कुछ ग्लोबल कंसेंसस हो नहीं रहा था एंड कंट्रीज डिडंट वांटेड टू लूज द रेवेन्यू. तो इसलिए यूनिलैटरल एक्शंस कंट्रीज ने लेने शुरू कर दिए और वो जो यूनिलैटरल एक्शंस हैं इफ यू विल सी आज की डेट तक कंट्रीज ले ही रही हैं. मतलब अभी भी फ्रांस ने अभी और जब फ्रांस ने टैक्स लगाया तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप वेरी ब्लंटली सेड कि नो कंपनीज ऑफ यूएसए वोंट बी टैक्स्ड एनीवेयर एंड दे वुड बी टैक्स्ड इन यूएसए ओनली. सो इट काइंड ऑफ स्टार्टेड अ डिजिटल वॉर कि ऑन द वन साइड जो मार्केट कंट्रीज थी दे आर सेइंग दैट वी वांट द टैक्स फ्रॉम द कंपनीज हु आर हैविंग अ डिजिटल प्रेजेंस हियर वाइल जो थी जो कि जनरली जो कि मेनली यूएसए है या चाइना है they were not ready for it. In fact, China is very neutral. China is not that aggressive. Lekin USA was not ready at all to and was not agreeing at all for this kind of taxation. However, as of date, काफी progress हो गई है और consensus develop हो गया है. And अभी last month ही एक consensus is developing globally. And it has been recognized now. World is accepting that yes, the rules need to be changed. Or by this global movement, India has taken a step. कि उसने अपनी domestic law में तो at least change कर दिया है. By the time global consensus develop होता है, because India is also trying to put its foot. अगर globally नहीं हो रहा तो at least domestically I would tax these companies. And similarly, India ने एक अप्रैल 2019 में एक draft profit attribution report भी issue करी थी, although it was for public consultation and it never finalized. But उसमें India ने यही बोला था कि जो profit attribution rules FAR के basis पर है, means functions assets के basis पर है, उनको revise मार्केट फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता एंड नाउ न्यू रूल्स नीड टू बी ड्राफ्टेड जहां पे मार्केट को डेटा को इम्प्लॉइज को और जो फैक्टर्स बिजनेसेस के लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं उनको हमें वेट्स देने की जरूरत है टू एलोकेट द प्रॉफिट. एंड मैनी अदर वर्क वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन सिंस देन 2019 public consultation paper on unified approach based on pillar 1 was released or fir public consultation paper on pillar 2 was released in November 2019. But ye jo pillar 1 approach thi isko jab OECD ne release kara so it was more inclined towards resident based taxation because inhone sirf residual profit
developing countries like India was not so happy with this proposal and again इसमें consensus नहीं बना तो फिर इंडिया ने इसलिए भी डेवलपिंग नेशंस ने इसलिए भी यूनिलैटरल एक्शंस लेने शुरू कर दिए बिकॉज दे फेल्ट कि ओईसीडी इज नॉट टेकिंग अ फेयर व्यू एंड इट इज प्लीजिंग मोर द बिग कंट्रीज लाइक दिस इन जनवरी 2020 द ओईसीडी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बैप्स ऑन द टू पिलर अप्रोच उन्होंने रिलीज करी फिर ब्लू प्रिंट्स भी आए हैं एंड लाइकवाइज द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन And now I think we are approaching that point that consensus would be developed. But in a meanwhile, what India has taken a step is they have introduced SCB in the act. And now, so to address the digital. Now we will go to the section. We will go to the explanation, the provision. And we'll try to analyze it line by line. First of all, this is the full provision, and I will just stop for 2 minutes for you to just read this provision once. Okay, so all must have read the provision. Now we will try. It start with the word for the removal of doubts. It is hereby declared. So as I said that it is prospective in nature since the word declared has been used. And now it starts with the word for the removal of doubts. For the removal of doubts, that means ki it is clarificatory in nature. इन्होंने provision insert किया that was always there under the scope of business connection. Specially जो business connection है उसके जो scope है वो भी बहुत wide है. So if we will go into that argument and if we accept ki business connection has always included it, so it would become very controversial and very subjective. So of course we need the certainty and the specific provisions so that was much required so even if it is clarificatory in nature but it was required to have it because otherwise bahut hi litigative chalta sab kuch so for the removal of doubt it is hereby declared that the significant economic presence of a non resident in India shall constitute business connection in India to फर्स्ट टू लाइन्स ने एक क्लैरिफाई कर दिया है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंडिया में नॉन रेजिडेंट का बन जाएगा एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर दिस पर्पस शैल मीन अब आगे हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पर्पस का मीनिंग क्या बताया है उसके लिए क्लॉज ए है फर्स्टली वी विल रीड क्लॉज ए फुल इन वन गो क्लॉज ए सेज कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस शैल मीन transaction in respect of any goods in India including provision of download of data or software in India if the aggregate of payments arising from such transaction or transactions during the previous year exceeds such amount as may be prescribed now one important thing here to note is ki clause a ke andar kahin par bhi ye nahi bola gaya ki transaction to be online it is simply saying ki koi bhi transaction hai goods service property ke case mein jo ki non resident kar raha hai kisi person ke sath jo ki person india mein hai aur agar threshold meet ho raha hai to wo significant economic presence india mein bana dega ab idhar ek important question jo aa jata hai ki kya ye sari transactions ke liye bol raha hai whether the transaction is digital or उसकी बात कर रहे हैं सो वी विल रीड अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी सो बिफोर वी डिस्कस की डिजिटल के लिए या फिजिकल के लिए है लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन लाइन्स का क्या मीनिंग है द वर्ड यूज हेयर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी सो इन रिस्पेक्ट ऑफ मीन्स
जो कि गुड सर्विस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उस कोई भी ट्रांजेक्शन है, ऐसा यहाँ पे वर्ड ये नहीं है ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सर्विस और प्रॉपर्टी, बट द वर्ड्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ, सो इट मेक्स इट वेरी वाइड कि जरूरी नहीं है कि आप गुड्स या सर्विस या प्रॉपर्टी में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बट आप उससे रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो. लाइक अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग भी कवर हो जाएगी. इनफैक्ट ये इसको इतना वाइड बनाता है कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी ट्रांजेक्शन जो इस लाइन में ना कवर हो द सर्विस और प्रॉपर्टी. इट विल इंक्लूड मार्केटिंग, इट विल इंक्लूड लॉजिस्टिक, इट विल इंक्लूड I think everything would be included in this. And the next, but the important question here is कि ये जो transactions की बात कर रहे हैं, ये digital transactions की बात कर रहे हैं या फिर सारी transactions किसी भी form में अगर हो रही हैं तो वो इसके scope में cover है. अब इसके लिए जो argument है वो try to draft it, the argument for and against it, कि क्या meaning हम ले सकते हैं, because इधर इंटेंशन कुछ और है और जो प्रोविजन है उसको अगर हम रीड करें तो डेट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग एल्स. सो लेट्स सी कि फर्स्टली फॉर इफ वी गो इन फेवर ऑफ दिस कंटेंशन, दिस प्रेपोजिशन कि दिस प्रोविजन इज बोथ फॉर फिजिकल ट्रांजेक्शंस एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस. मींस अगर नॉन रेजिडेंट कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में और वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई है तो भी उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगी अगर हम फिजिकल ट्रांजेक्शंस के लिए भी इस प्रोविजन को कंसिडर करते हैं. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि ये फिजिकल के लिए भी है. फॉर दैट आई हैव पुट टू आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट इज की एक पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट जो OECD ने रिलीज किया था और यूनिफाइड हमें अगर कोई प्रोविजन लाना है तो इट शुड बी बोथ फॉर डिजिटल एज वेल एज फिजिकल ट्रांजेक्शंस. सो आई विल जस्ट आई हैव जस्ट पुट इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट. दिस इज द पैरा फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन पेपर रिलीज्ड इन फेब. सो अंडर दिस इफ वी रीड द ब्रॉड लाइंस इट सेज रेवेन्यू जनरेटेड ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस इज द दिस इज नॉट द Yeah, the this one. Para 23 of Public Consultation Paper on Unified Approach based on Pillar 1 released by Secretariat in October 2019. Para 23 says, the intention is that a revenue threshold would not only create nexus for business models involving remote selling to consumers, but would also apply to groups that sell in a market through a distributor, whether related neutrality between different business models and capture all forms of remote involvement in the economy of a market jurisdiction. तो जब पिलर वन OECD ने रिलीज किया था तब उन्होंने भी सिर्फ डिजिटल के लिए नहीं रिलीज किया था, इनफैक्ट उन्होंने कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के लिए रिलीज किया था एंड दैट इन्वॉल्व्ड बोथ द फिजिकल ट्रांजेक्शंस एज वेल एज द डिजिटल. और जो SCP प्रोविजन आए हैं वो दैट इज द आउटकम ऑफ OECD वर्क ओनली. टेक अ प्रपोजिशन कि यहाँ पे भी जो SCP इंट्रोड्यूस करा है इंडिया ने भी दैट इज नॉट ओनली फॉर डिजिटल बट बोथ फॉर फिजिकल एज वेल एज डिजिटल. सिमिलरली एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर रिलीज हुआ था फेब टू मार्च 2019 में. उसके अंदर भी 14 पैरा में व्हाट OECD हैज रिटर्न दैट फाइनली इफ रिमोट पार्टिसिपेशन इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेबल प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ वन दैट अट्रैक्ट सब्सटेंशियल टैक्सेबल प्रॉफिट to be a concern in relation to certain highly digitized business, there is an important question as to whether this concern is not relevant to a broader set of businesses, for example, businesses that due to digitization and changes in global economy can build their brand, develop or engage customer based and create value in the absence of local activities. If you will read this full paragraph, then it's In other words, to the extent the current rules are seen as under-allocating income to particular jurisdictions due to the ability of highly digitalized businesses to remotely and non-physically participate in those jurisdictions,
horizontal equity design coherence and a level playing field suggested to be given to whether that policy concern are relevant also to more traditional businesses. So here we can say that OECD highlighted this concern that if we need to make the different allocation rules or different nexus rules for digital business, then they need to be for physical businesses as well. Based on this background, I am of the opinion that yes, SCP is both for physical as well as digital transactions. And one more thought that I would like to put upon is that you may agree or not agree with this, but it's just one thought that I would like to share. That India released one public consultation paper for profit attribution. Or uske andar India disregarded the approach of allocation based on functions, assets, and risk. And India gave one formula for the allocation based on market, employees, and assets, and other factors. So is it like India is seeing itself as a big market in future? India knows its population, and India knows ki it has a huge consumer base. So having that vision, whether India wants to have its fair share of tax in all the cases, whether physical or digital, jahan pe bhi uske market ke through release kiya tha. Aur that's why now India is considering ki SCP provision ke through wo is cheez ko cover kar le ki jahan pe bhi sales jo hai wo India mein ho rahi hai, wahan pe India wants a tax. Not only based, India wants the allocation of income based on the market and other factors that are now becoming more important than the traditional, functional and supply side factors. So this is one thought, if this is the case. I mean there is clarification is of course required by the government ki what they intend to do, but this is just one thought that could be there. But now if we go to against, like, no, it is not for both physical and digital, but it is for digital only. So how can we say that? So one document that is important in this case is memorandum section introduced hua tha finance bill 2018 mein. Agar hum uske memorandum pe jaye, so the memorandum case, I will just read the bold lines of the first paragraph. Therefore, emerging business models such as digitized businesses, which do not require physical presence of itself or any agent in India, is not covered within the scope of 911. In view of the above, it is proposed to amend clause 911 to provide that SCP in India shall also constitute business connection. So here it is specifically said that the businesses that do not require physical presence. Based on this, we can say the intention is to cover the digital businesses and not the physical presence businesses. So that's why jo government hai usne specifically digital words ya online words nahi include kare hai provision mein, but the intention is to cover the digital businesses only, or specifically one more thing is there ki agar ye digital or physical businesses dono ke liye hai to jo existing concept hai business connection ka, that would become redundant because SCP would become so wide then ki uske andar all types of business connection already aa jayenge. To fir jo aur provisions hai business connection ke, explanation 2 hai ya jo bhi judicially decisions aaye hain, unka koi meaning nahi reh jayega. To kya unko agar matlab un wale provisions ko एक तरह से खत्म कर देने वाली बात है, इफ वी से दैट इट इज फॉर नाउ दिस आई वुड लीव इट हियर विद नो कंक्लूजन दैट, बट प्रैक्टिकली इफ वी रीड द प्रोविजन आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर एनालाइजिंग एनी इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, then take a conservative view and consider it both for digital and physical and accordingly determine ki SCP hai ki nahi hai, because revenue
को तो रेवेन्यू यही स्टैंड लेगा एंड लेटर ऑन दे आर नॉट गोइंग टू लीव. आई वुड सजेस्ट टू अप्लाई इट फॉर फिजिकल एज वेल. So now going further, we have read the first line, transaction in respect of any goods, service or property carried out by a non-resident. So the transaction has to be carried out by a non-resident and it does not mention where the non-resident has to be. It is possible ki non-resident is in India is doing transaction with the non-resident and that non-resident is also in India, then also this would get covered. So the transaction on one side, the transaction has to be with the non-resident wherever that non-resident is. So let's read it again. Transaction in respect of any goods, service or property carried out by a non-resident with any person in India. So on one side of the transaction, and on the other side of the transaction is a person who has to be physically present in India. So here the nexus is that the person has to be physically present in India. And this person can be any person. It need not be a resident or a non-resident, but it can be any person. It can be individual, HUF, company, or any other form of a person. The condition is that that person is physically present in India. So there is a transaction between a non-resident present in India and a person in India, so that would also get covered. And if there is a transaction between a non-resident present in India with another non-resident or with another resident that is outside India, then that would not get covered. After this, including provision of download of data or software in India. Now this is defining it that first leg of the definition, that is transaction in respect of any goods, service or property carried out by a non-resident with any person in India would include provision of download of data or software in India. Now here the question, important question that comes to my mind is why this inclusion is required. The first leg of definition is itself so wide that it would have in any case would have covered provision of specific inclusion has been given in this. But does it give an indication ki the first leg of transaction hai, that has to be read based on the inclusion means the provision of data or software can never be physical form. It has to be in digital form only. So it is it giving an indication ki first leg of transaction is also for digital only and not for physical? Otherwise, I don't see any purpose of inclusion here. But taking this interpretation that definition would be interpreted based on inclusion would not be the correct reading of the law. So we cannot say it based on inclusion only that the scope is for the physical, for the digital transactions only. Now we analyze this inclusion. There can be many questions that whether it means that IP address of India is there or whether it means that utilization has to be in India. So if we read it India, that means it doesn't matter which IP address are you using. You may have shifted through VPN to other IP address, but if you are doing it in India, if the download is in India, then it will be included. And otherwise, if certain transactions would fall under the first leg of the transaction. So this inclusion is just for the academic purpose. As such, practicality, it is not going to restrict or expand the scope of the definition in any way. So we can discuss the issues related to it, but it will just be for the academic purpose only. Like there can be a question as what about the softwares that are through API? Because nowadays softwares generally don't get downloaded fully on the system, but just when API is. So I'm not going into all those issues because as I said that
in any way the first lines would always cover all kind of transactions. Then there can be one issue that in case of downloading of data or software, there can be an overlap with royalty and equalization levy. It may be possible that software jab download kiya hai, so that may fall under the definition of royalty as given in section 917. And it may also fall under the net of equalization levy. We will discuss later on, but as of now, जहां पे transaction royalty में cover हो रही है वहां पे royalty provisions would apply because royalty provisions are specific in nature while SCP provisions are general in nature. So specific always prevails over the general. Falling under any specific provision of business connection, then that would get covered by that provision only and SCP would not apply to it. Moving further, we have seen that what transactions would be covered. Then the next leg of the definition is that aggregate of payments arising from such transaction or transactions during the previous year exceeds such amount as may be prescribed. So the threshold has been prescribed, and the threshold has been prescribed by CBDT, and that is 20 millions. So if the transactions in respect of goods, service or property carried out by a non-resident with any person in India exceed the limit of 20 millions, combining all the transactions of a non-resident during the year, then SCP is applicable on that non-resident. Here one thing is that when OECD prescribed the SCP provision, then it recommended that there has to be a revenue-based criteria. India has little digression from that, and India has introduced the revenue-based criteria independently. That if the amount of revenue earned by a non-resident exceeds the threshold of 20 million during the year, then SCP would be applicable. And as per the OECD, this revenue-based criteria plus some other criteria like data or user would have been prescribed along with it. And that other criteria is there in clause B, but the word used between clause A and independent. If non-resident is satisfying either of the clause, agar clause A satisfy ho gaya, to bhi SCP lag jayega, ya fir clause B satisfy ho gaya, clause A nahi ho raha, to bhi SCP lag jayega. To ye dono conditions mein se koi bhi ek condition satisfy ho rahi hai, to SCP jo hai wo applicable ho jayega. While jo OECD ne prescribe kara tha, uske accordingly A aur B ke beech mein AND aana chahiye tha. So we have discussed the clause ki SCP kab banega, if there is systematic and continuous soliciting of business activities. So first is important is systematic and continuous. So the activities need not be casual ki pure saal mein kabhi koi ek activity ho gayi, but they have to be continuous, or systematic means planned honi chahiye. ऐसे ही आउट ऑफ द वे अगर कोई एक्टिविटी हो गई है तो वो इसके अंदर नहीं मानी जाएगी, बट इट हैज टू बी विद सम पर्पस. एंड एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. हियर बिजनेस एक्टिविटीज, सो दिस हैज द इम्प्लीकेशन कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट सॉलिसिटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं किसी और के बिजनेस के लिए भी, so that would come under it because activity is soliciting of business activities. Agar sirf hota soliciting of business to iska matlab shayad ye hota ki non resident ko sirf apne business ko solicit karna hai, but yahan pe wo cover kar rahe hai basically advertisement, marketing, sales promotion type activities jo non residents karte. One
वेरी इजी एंड वेरी जनरल कॉमन एग्जांपल कैन बी फेसबुक. जो फेसबुक पे अगर आप देखोगे आपने कुछ भी सर्च करा है तो वो एड्स पॉपअप होनी स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज द सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट फेसबुक इज डूइंग एंड इट इज डूइंग सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ पे अब फेसबुक का SEP बन जाएगा इंडिया में अंडर क्लॉज बी. सो देन इट सेज क्लॉज बी फर्स्ट तो वो कवर करता है कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटिंग. सो सेकेंडली वो कवर करता है इफ नॉन रेजिडेंट इज एंगेज्ड इन इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ये जो लाइन है ना विद सच नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया दिस इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट लेग ऑल्सो. लाइक वी हैव टू रीड इट लाइक दिस सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विद सच नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड or engaging in interaction with such number of users in India as may be prescribed. Number of users prescribed hai, ye 3 lakh users prescribed hoye hain. To agar koi non-resident soliciting of business activities kar raha hai, India ke users ke saath, matlab wo koi business promotion, marketing kar raha hai, jisko ki India ke users dekh rahe hain, aur wo users 3 lakh se jyada hai, to uska SEP ban jayega. या फिर सेकंड है एंगेज इन इंटरेक्शन. मतलब आप सॉलिसिटिंग नहीं कर रहे बट आप इंटरेक्शन कर रहे हो यूजर्स के साथ जो कि इंडिया में है, फिजिकली प्रेजेंट है इंडिया में. उनके साथ अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंटरेक्शन कर रहा है व्हाट डज हियर एंगेजिंग इन इंटरेक्शन मींस. व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड. इज इट अ इंटरेक्शन लाइक in Facebook logo ke account hai, so those people are interacting with each other, whether that would be covered or Twitter is covered. So I don't think so, because here non-resident koi interaction nahi kar raha hai. Non-resident like Facebook or Twitter or Tinder or TikTok, you can take any social media platform, they have just created one platform aur wahan pe people other, but non-resident itself is not involved in doing any interaction, so that would not fall under this clause. Here the non-resident has to be in interaction. Like agar koi you must have come across many sites ki jahan pe aap jaate ho aapko kuch information ya kuch data wahan se chahiye to ek form pop up ho jata hai and they ask you ki wo form fill kar do, then you can further scroll that site. तो वो जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो सो दैट इज इंटरेक्शन ऑफ अ नॉन सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वुड कवर अंडर इट. वी हैव कवर्ड क्लॉज ए एंड क्लॉज बी दैट व्हाट ऑल ट्रांजैक्शंस वुड फॉर्म SEP इन इंडिया. नाउ हियर आल्सो इन क्लॉज बी आल्सो इन द फर्स्ट स्लाइड आई एक्सप्लेन दैट इन 2018 at the end of clause B, the words were by digital means was present. But later on by Finance Act 2020, those words were omitted. So now in clause B also there will ki agar soliciting of business activities ya interaction users ke saath non-resident physical means mein kar rahe, though that would also get covered under it. और वो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाय डिजिटल मींस जो रिमूव हो गया है वर्डिंग्स वो शायद इसलिए हो गई है कि इम्प्लीकेशन गवर्नमेंट वांट्स टू से कि इट इज इम्प्लाइड कि ये प्रोविजन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ही है. सो वी नीड नॉट पुट दैट वर्ड अगेन बाय डिजिटल मींस. सो हियर द क्लैरिफिकेशन. After this clause A and clause B, there are two proviso to explanation 2A. First proviso says, provided that the transaction or activity shall constitute significant. Can someone confirm whether my screen is visible because there was a power cut at my side.
ओके ओके दीपांशु, थैंक यू। Okay, so the first proviso is that transaction provided that the transaction or activity shall constitute SCP in India, whether or not the agreement for such transaction or activities is entered in India, or the non-resident has a resident in India, or the non-resident renders services in India. So all these were the concern in the case of a traditional business connection type of a model. These points were raised, that agreement has been concluded outside India or whether the services has been rendered outside India. But now all those issues has been put to rest under SCP by putting the first proviso that it doesn't matter where the agreement has been entered. Clause B of the explanation 2A, then SCP would be there. Like there was one famous judgment of Ishkiwajama in case Ishkiwajama, where it was where these points were raised that services has been rendered outside India or the agreement has been entered outside India. So now all these points have become proviso. Now going to second proviso, it says, provided further that only so much of income as is attributable to the transactions or activities referred to in clause A or clause B shall be deemed to arise in India. I can see some queries. Raise hand. I will take up the queries at the end. Let me please just complete it over. So second proviso is very important because it gives the rules of attribution. And the point here to note is it says that only so much of the income as is attributable to the transactions or activities. So there is a difference between explanation second proviso to explanation 2A. Because explanation one gives the attribution rule in respect of traditional business connection. And there the word uses that so much of the income as is attributable to the operations in India. Because traditional business connection was more on physical activities. So it said that if you have operations or activities in India, then the income that is attributable to that operations would be considered as the income attributable to the business connection. But now, since the purpose of SCP is also to cover the digital transactions, the word here uses attributable to the transactions or activities. So it need not necessary to transaction or activities जो कि clause A और clause B में refer हुई है, उनको जो वो वाली एक्टिविटीज जो इंडिया में हुई है उसको जो इनकम एट्रिब्यूटेबल है वो डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया होगी। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गेन फर्दर क्लैरिफिकेशन बाय वन सिंपल केस स्टडी इन दिस एज रिगार्ड एट्रिब्यूशन। दिस इज वन केस स्टडी। NR company is engaged in providing online and offline sale of goods in India. Its global revenue is 1000 crore, while revenue from India is 100 crore. So the breakup of revenue and profit of 100 crore from India is tabulated. Let's see what transactions would constitute SCP in India. First transaction is online sale of goods in India, for which the revenue is 80 crore and profit is 9 crore. So whether it will constitute SCP in India? So under clause A, it is a transaction in respect of goods and which is exceeding the threshold. Yes, because the threshold there is 10 million and here the revenue is 80 crores. So it is exceeding the threshold limit. So yes, it will be covered by clause A of explanation 2A. And it will form SCP in India.
The second transaction is sale of goods through subsidiary on principal to principal basis, and it's a physical activity. The non-resident is 20 crore. So whether this would be covered under SEP? Now again, here can be two propositions, that whether SEP includes physical transactions or it does not include digital transactions. So by intent, I can say as reading memorandum that it does not include, but by practical purpose, I would say that yes, SEP transactions as well. So in that case, it will also constitute the SEP. Then there is a third nature of transaction, that is NR is collecting the data online about user preferences, etc., where number of users are less than 3 lakh. So this is a transaction that would, this is a transaction that would fall under clause B of the definition. Clause B was systematic and continuous soliciting of business activities or engaging in interaction with such number of users in India as may be prescribed. So it would fall under the second leg of the clause, that is engaging in interaction with such number of users in India, because it is engaged in collection of data online. There are less than 3 lakhs. So threshold is not met. So otherwise it is satisfying the definition of clause B, but the threshold is not met. So it will not form SEP in India. Now there comes the question of attribution. How much of the income would be attributed to India of SEP? So second provision says income as is attributable to the transactions or activity into accrual arise in India. Now, if we first go to the proposition that SEP is not on non-digital transactions, so how much profit would be allocated to India? If SEP is not on non-digital transactions, then sale of goods through subsidiary would not form SEP in India. Only online sale of goods, transaction of online sale of goods, profit of 9 crore would of course be allocated to India. It would consider deemed to accrue a rise in India. And there is no doubt about sale of goods through subsidiary. This will not form SEP. So no profit would be allocated to India. Then what about collection of data online about user preferences from India, and where there is a loss of 2 crores? Will that be adjusted? Not be adjusted. So now if we go to the second proviso and read it again, it says income as is attributable to the transaction or activities that are forming SEP. The transaction here that is forming SEP is online sale of goods, under which the profit is 9 crore. So this collection where there is a loss of 2 crore would be adjusted with 9 crore if this transaction, the collection of data, is related to online sale of goods, because we need to allocate only that income that is forming SEP in India. And in the case, the collection of data online is a separate line of business altogether, and it has no relation with online sale of goods, then this loss would not be adjusted with the profit of 9 crore while allocating the income to India. But if we say that this collection of data online is in relation to only business of online sale of goods only, by collection of this data, NR is making the sale of goods in India. So in that case, this 2 crore loss would be adjusted with 9 crore profit. Any question on this slide? Okay. Then if we go to the proposition that SEP is on non-digital transactions as well. So in that case, sale of goods through subsidiary on principal to principal basis, this will also form the SEP in India. And in this case, the profit allocation would be either 12 crore or 10 crore, depending on the fact that collection of data is
in relation to these two activities that are forming SCP in India, or it is a separate line of business? If it's a separate line of business, then the allocation would be 12 crore. And in case it is in relation to sale of goods through subsidiary or online sale of goods, then it would be adjusted. So I hope with this, the profit attribution is clear. Although I have taken a very simple case study, and here I have very conveniently put in the figures that this is the revenue from India. But in practicality, getting this data that how much is attribute, how much is the revenue from India and how much is the profit that is attributable to those revenue would really be an exercise. And I don't think that so easily it would be available. So that would also be a one practical aspect in relation to it. So with this, we have done with the definition of explanation provisos. We have covered this definition and along the two provisos. Now we are coming to attribution. Attribution, as when explanation 2A was inserted by the Finance Act 2020, then two more explanations were also in, then one more explanation was also inserted after explanation 2A, that is explanation 3. And that is in relation to that that explanation 3 does not in any way expand the scope of formation of SCP, but it simply expands the scope of attribution when SCP is formed. For this, to understand it in a better way, let's divide business connection into two categories. First is when business connection is not connection is traditional business connection as it always was. And secondly, on the right hand side, when business connection is through SCP. In case of business connection not through SCP, that means traditional business connection, till now, like before Finance Act 2020, the attribution was given by explanation 1. So explanation 1 said that in the case of of SCP. These words that are in italics in bracket has been inserted by Finance Act 2020. So explanation 1 has excluded SCP from its scope now, and it specifically says that in case of a business other than SCP, that means in case of a business where business connection is through traditional business connection, of which all the operations are not carried out in India, this clause to accrue or arise in India shall be only such part of the income as is reasonably attributable to the operations carried out in India. So this was the explanation one, which said ki only so much of the income as is attributable to the operations carried out in India where business connection is through physical means or traditional business connection, then that would consider to deem to accrue or arise in India. Now, and that is applicable from 1st April 2021, that is the assessment year 21-22. So explanation 3A is applicable for financial year 2021, from 2021. What explanation 3A did? It said, for the removal of doubts, it is hereby declared that the income attributable to the operations carried out in India as referred to in explanation 1 shall include income who resides in India or a customer will access the advertisement through internet protocol address located in India. Sale of data collected from a person who resides in India or from a person who uses internet protocol address located in India, and sale of goods or services using data collected from a person who resides in India or from a person who uses internet protocol address located in India. So what explanation 3A is doing? Given in explanation 1, it is saying ki you will attribute the income that is in relation to the operations carried out in India, and in that attribution you will always include the income
which is from the advertisement, which targets a customer who is resident, who reside, who is physically present in India, or such advertisement is targeting a customer who is accessing the advertisement through internet protocol address in India. Sale of goods or services through the data collected. So explanation three has increased the scope of attribution where there is a traditional business connection. Then there is a proviso to explanation 3A that is inserted by Finance Act 2020 and it is applicable from 1/4/2022, means from financial year 21-22. And it is in relation to the business connection that is formed through SCP. Explanation 3A, it says that provided that the provisions contained in this explanation, means that the provision contained in explanation 3A shall also apply to the income attributable to the transactions or activities referred to in explanation 2A, that means SCP. So what explanation 3A and proviso to explanation 3A has done is they have expanded the scope of attribution in case business connection is formed either through traditional business connection or through SCP. And they say that in case the business connection is formed or through SCP, then the income that would be attributed to India would also include income from advertisement which targets Indian customer or which is through the internet protocol address in India or which is through sale of data or sale of goods or services, etc. So this is explanation 3 and 3A. We can understand this now better by one case study for explanation 3A. Again, the same example that we have earlier taken. The only change that I have made in this is in the last activity, collection of data, either online or offline, about user preferences, where number of users are less than 3 lakh, and these are sold to another non-resident for soliciting in India. This sold to another non-resident for soliciting in India is the addition in this example. Here we know, as we have earlier discussed, that online sale of goods would form the business connection, would form the SCP. And right now, then it is for the digital goods only. Let's consider that sale of goods through subsidiary on principal to principal basis is not covered under the scope of SCP. So what will be the attribution here? 9 crore would be attributed, no doubt, by virtue of the proviso, second proviso to explanation 2A. Now, what would the effect of explanation 3A? Because here, if we read explanation 3A, clause 2, it says that the income from sale of data collected from a person who resides in India or from a person who uses internet protocol address located in India, it shall be the income that is attributable to the operations carried out in India. Now, the third activity in the example is collection of data online or offline about user preferences where number of users are less than 3 lakh. That means, and this data is sold to another NR for soliciting in India. So this is falling under clause 2 of explanation 3A. But this activity is not forming SCP because number of users are less than 3 lakh. So if we talk about explanation 2A only, then this activity would not form SCP. The nexus of SCP won't be there. But when we talk about attribution, that how much of the income would be attributed, then explanation 3A, clause 2A ke andar ye cover ho rahi hai. To jab hum attribution karenge is case mein, India mein, to kya hum 9 और इससे जो प्रॉफिट 5 crore आ रहा है क्या ये भी एट्रीब्यूट करेंगे इंडिया में बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 3A? आई होप आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन. सो हियर इफ वी रीड इट अगेन टू गेट टू फाइंड द आंसर, एक्सप्लेनेशन 3A सेज दैट
income attributable to the operations carried out in India as referred to in explanation SCP, then it would say if income attributable to the operations, if income attributable to the activities that are forming SCP. तो जो 5 करोड़ है, whether it is attributable to the activities that are forming SCP, like online sale of goods. तो here again we have to see कि ये जो collection of data हो रहा है और जो sold to NR for soliciting in India हो रहा है, whether it is related to online sale of goods. अगर वो दूसरे NR को sold कर से solicit कर रहे हैं, तो it's a separate line of business. और जो NR का business है online sale of goods, उससे related नहीं है. तो in this case explanation 3 or proviso to explanation 3A would not be applicable. Because we cannot say that this is the income that is attributable to the and only 9 crore would be the income that is deemed to accrue or arise in India. Similarly, अगर हम ये बोलते हैं कि SCP is both for physical and digital, तो उस केस में ये जो ये subsidiary को ये SCP बन जाएगा. और उस केस में जो ऑफलाइन डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो थर्ड एक्टिविटी हो रही है, उस पे एक्सप्लेनेशन 3A लगेगी कि नहीं लगेगी. सो अगेन द थिंग इज कि ये जो एक्टिविटी है कलेक्शन ऑफ डेटा ऑनलाइन, ये एक्सप्लेनेशन 3A के क्लॉज 2 में तो फॉल हो रही है, बट इट हैज टू बी द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस दैट आर फॉर्मिंग बिजनेस कनेक्शन. तो अगर अब वो सेल ऑफ गुड्स थ्रू सब्सिडरी वाली ऑपरेशंस को पर्टेन करती है, उससे उसके एट्रीब्यूटेबल में है, तो एट्रीब्यूट होगा ये 5 crore वाला, अदरवाइज नहीं होगा. Then there is one more case study, but I will come to it if time would permit, because it is little complex. First of all, let's cover the later parts, that is also important, and practically iski importance jyada hogi, because ab jo applicable hai hamare upar, equalization levy bhi hai, significant economic presence bhi hai, and then we have a definition of royalty and ओवरलैपिंग हो सकती है. तो उस केस में क्या इंटरप्ले होगा, वो दैट वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इसके लिए व्हाट आई हैव डन इज ईएल पहले सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पर था, बट नाउ द स्कोप हैज बीन एक्सपेंडेड और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और ई कॉमर्स बिजनेसेस पर भी एप्लीकेबल है. तो ट्रांजेक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है. द फर्स्ट नेचर केस की ऐसी ट्रांजेक्शन जिनपे ईएल लगता है, they are under the scope of EL and they are in the nature of computing online services type ki transaction hai. Basically transaction in respect of intangible goods ya services ki nature ki transaction hai, jin pe EL lagta hai by this new EL provisions of e-commerce operators. Ab it may be possible ki ye wali jo transactions hai first category ki jo intangible nature ki hai, they may be chargeable to taxes, FTS or royalty under the Act read with DTAA, because they may fall under the definition of royalty or FTS as given in section 9. So, nature ki transactions hai jin pe EL lagta hai, but that is in nature of tangible goods or advertisements. Like agar koi e-commerce operator hai, wo kuch apparels ya mobiles aise kuch sale karta hai, तो उस केस के अंदर रॉयल्टी एफटीएस इन सब की डेफिनेशंस तो नहीं लगेंगी, बट इट मे बी पॉसिबल कि ईएल भी लग रहा हो और एससीपी भी लग रहा हो. सो फर्स्ट वी विल कवर द इंटेंजिबल टाइप ऑफ नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उस केस में क्या इंटरप्ले होगा, बिफोर गोइंग इनटू दिस लेट्स जस्ट रिवाइज वन और टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ईएल. की ईएल एप्लीकेबल उस are chargeable as FTS or royalty under the Act read with DTAA. This was clarified. And EL is not applicable jahan pe permanent establishment establish ho jati hai non-resident ki. And then there is one exemption under the Income Tax Act under section 10 subsection 50 ki agar kisi transaction pe EL lag gaya hai to us case ke andar wo wali income jo hai wo exempt ho jayegi under the Income Tax Act.
considering this background, let's discuss the interplay. So first, there can be the transaction which are chargeable as FTS or royalty under the Act Red with DTAA. Like it can be the downloading of the software that is falling under the definition under the Act. So wo wali transaction would be chargeable as FTS and royalty under the Act by virtue of section 115A and 44DA. अब उस केस के अंदर एफटीएस और रॉयल्टी के प्रोविजंस लगेंगे तो यस सिंस एफटीएस एंड रॉयल्टी प्रोविजंस आर स्पेसिफिक प्रोविजंस दे विल हैव द फर्स्ट से बिकॉज स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑलवेज स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑलवेज ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस और जो ईएल है वो तो सेपरेट है एक फाइनेंस बिल के थ्रू आया है वो तो अंडर एफटीएस और रॉयल्टी के स्पेसिफिक प्रोविजंस है और अगर कोई ट्रांजेक्शन एफटीएस और रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल हो रही है तो इट वुड बी चार्ज्ड एज एफटीएस और रॉयल्टी नाउ कमिंग टू ईएल वेदर ईएल वुड बी एप्लीकेबल नो ईएल वोंट बी एप्लीकेबल एज ईएल इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेरिफाइड दैट ईएल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शंस दैट आर चार्जेबल एज एफटीएस और रॉयल्टी सो हियर नो डाउट इज देयर दैट ईएल वोंट बी एप्लीकेबल Now, whether SCP would be applicable because जो SCP का scope है वो download of software और उन पर तो होता ही है but so here again specific to override the general provisions FTS and royalty would override SCP so SCP won't be applicable and FTS royalty would be applicable then the next nature of transaction is the transaction is not chargeable as FTS or royalty under the Act Red with DTAA तो अगर ट्रांजेक्शन एफटीएस और रॉयल्टी की नेचर की नहीं है तो एफटीएस और रॉयल्टी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे नाउ हेयर ईएल कैन अप्लाई ईएल वुड अप्लाई बिकॉज अगर आप ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो ऑनलाइन सेल ऑफ बुक्स कर रहा है सो इट ईएल के अंदर वो कवर हो जाएगा अब एससीपी के प्रोविजंस लगेंगे यस एससीपी प्रोविजंस वुड बी एप्लीकेबल बट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 जो इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में सो अगेन देयर इज नो डबल टैक्सेशन ओनली ईएल वुड फाइनली बी एप्लीकेबल देन द थर्ड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन चार्जेबल एज एफटीएस और रॉयल्टी अंडर द एक्ट बट नॉट अंडर डीटीडब्ल्यूए एंड एनआरएस पीई इन इंडिया अंडर डीटीडब्ल्यूए तो मतलब इट मे बी पॉसिबल की जो सेक्शन 9 सिंस इनकम टैक्स एक्ट का वाइडर है डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन रॉयल्टी और एफटीएस से तो इट मे बी पॉसिबल कि इनकम टैक्स एक्ट में तो रॉयल्टी बन रही है ट्रांजेक्शन लेकिन बन रही और उस केस के अंदर लेकिन एनआर की पीई बन रही है इंडिया में तो उस केस में इनकम वुड ऑफ कोर्स बी स्टिल चार्जेबल एज एफटीएस और रॉयल्टी अंडर द एक्ट बाय वे ऑफ सेक्शन 44DA तो इनकम जो है वो एफटीएस और रॉयल्टी would be charged FTS or royalty और इस केस में फिर EL नहीं लगेगा because EL is not applicable on the income that is chargeable as FTS or royalty under the Act और SCP यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा so SCP may apply but it is not relevant NR की PE बन रही है तो DTAA provisions would be more beneficial than the Income Tax Act provisions. तो अगर इंडिया में SCP के through business connection बन भी जाता है तो DTAA में अगर आप जाएंगे तो वहां पे तो PE वाले रूल ही एप्लीकेबल होंगे और वहां पे अभी कोई अमेंडमेंट हुई नहीं है डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए तो अल्टीमेटली वो एज अ PE ही टैक्स होगी और SCP provisions will not be of any importance. Coming to the next set of transactions and transactions are in the nature of tangible goods or services or advertisement. So, in this case, the interplay hoga, that would be between SCP and EL only or royalty or FTS won't come into picture. So, that is simpler as compared to the last one because agar transaction, pehli nature transaction ki aisi hai jo ki जिन पे ईएल एप्लीकेबल है तो ईएल लगेगा अब इट मे बी पॉसिबल कि एससीपी लगेगा तो एससीपी भी लग सकता है बट देन दैट वुड बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1050 सो नो डबल टैक्सेशन वुड बी देयर देन द सेकंड इज ट्रांजैक्शंस नॉट अंडर द स्कोप ऑफ ईएल
है तो उसपे ईएल तो नहीं लगेगा बट एससीपी कैन बी एप्लीकेबल. अगेन देयर इज नो डबल टैक्सेशन इन दिस. देन ट्रांजेक्शंस नॉट अंडर द स्कोप ऑफ ईएल एज थ्रेशोल्ड इज नॉट मेट. सो देयर इज अ थ्रेशोल्ड अंडर ईएल ऑल्सो. तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो नेचर तो उसका फॉल हो रहा है ईएल के अंदर बट थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा तो उस केस में ईएल तो नहीं लगेगा. तो अब एससीपी लगेगा. एससीपी लग जाएगा अगर एससीपी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो. और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इधर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 1050 की बिकॉज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1050 इज अवेलेबल ओनली व्हेन ईएल इज अप्लाइड. सो हियर ओनली एससीपी वुड अप्लाई. So this was the interplay and with this I have completed and Gaurav would join in a while to cover the EL. By that time I can take the queries if any. For non-residents, is there any query? Hello, Shweta ji. Yeah, is there any query? Yeah, I can see one from Dinesh Kumar ji. It is saying is sale online export sale. Is sale online export sale? I think there are no queries. Yeah. Okay. So I would just ask Gaurav to join and can. Okay, with this, I'm taking a leave. Thank you. Thank you. Yes, sir. Very good evening, everyone. Good evening, Munish bhai. Good evening, Anil ji. Good evening, Gaurav. I just came to. मैंने आज तुम्हें सुनने के लिए आया हूँ भाई. क्योंकि तुमने तो आज वो तो पिक दिया है. Sir, actually, you know, I'm sure Shweta मुझसे better बोलती है. तो session must have been useful. चलो, we'll get another opportunity sometime. Yeah, yeah, yeah. I'm still here, sir. So I can cover equalization levy if time is there. तो एक्चुअली सर वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव थी एनआईआरसी की एंड सो मैं उसपे आई गॉट स्टक सेम आई गॉट लेट इन एंड गेटिंग रेडी फॉर द सेशन. सो शुड आई स्टार्ट? मुनीश भाई स्टार्ट करें. एक काम करते हैं ओवरव्यू ले लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवाई का एंड देन वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन इन सम अदर सेशन बिकॉज़ आई थिंक एससीपी काफी हेवी हो गया होगा. या आई थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. नहीं आज बहुत हो गया भाई. वी स्टार्टेड एट इफेक्टिवली 4 o'clock सो इट्स नियरिंग 3 आवर्स नाउ. चलो गिव मी 10 मिनट्स. गिव मी 10 मिनट्स. आई जस्ट टेक इट ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इक्वलाइजेशन लेवाई. Very, first of all, very good evening to all the participants, and I'm extremely sorry for joining in late. Actually, you know, since morning we were doing NIRC work, so I started 7:30 a.m. in the morning with the tree plantation drive in one of the societies of Rohini, and then we started the blood donation camp at 9:30 a.m. at Netaji Subhash Place. And then there was a tree plantation drive within Netaji Subhash Place also. So I came back to my office around 4:45, drenched in sweat because rain has just begun. And at the noon, there was a temperature of 46 or 47 degrees. Yeah, yeah. If you can allow Shweta to take a session because I was not in a condition to address. So now, see,
what is happening globally, we all know that from physical movement, physical meetings, we are going online. Today, and not only today, I think since the COVID has struck to all of us, we are meeting online. We are doing presentations, webinars, even meeting with family and friends online. And now, if you see, you know, though it is a bad example, but just to put in mind that, you know, how we have gone online, even, you know, the Tervi that happens, you know, many of us joined that Tervi. Many. So, you know, things are still happening. They are not stopping, and it will continue to happen till sun is there. But the mechanism or the way we conduct our activities, they keep on changing. I still remember those days when, you know, I first saw the Motorola pager. Munish bhai, remember? Yeah. Anil sir ko yaad hoga, you know, I think I was in 7th or 8th, I think 8th or 9th class at that time, 95-96. Motorola ka pager hota tha. Pager aaya tha, I was in 10th. And it was so surprising. कि यार ऐसे मैसेज आ जाता है टेंशन सा होता था एंड फ्रॉम मोटरोला पेजर वी गॉट वो छोटे वाला नोकिया का फोन बड़े वाला ज्योमेट्री बॉक्स के साइज का फोन आ गया और फिर वो ब्लैकबेरी आ गया ब्लैकबेरी हमारे सीएस कम्युनिटी में एक बड़ा टॉप एंड माने जाने लगा एंड यू नो नाउ द थिंग्स हैव चेंज यू हैव फ्री कम्युनिकेशन You know, WhatsApp free hai, message is pretty cheap, emails are free. Pehle har cheez ki cost hoti thi. So even our communication system is changing. Now, if you want to buy t-shirt, shirt, shoes, chips, you can do bloody from your washroom. Sitting in the morning, apna 10-15 minute nikali, fatafat t-shirt dekhi, Amazon pe book kari and you know, you will get your t-shirts. And not only, you know, when it comes to buying from India, even buying from outside India, it has now you can do it, you know, just on a click of a button. So we say, ho kya raha hai? You know, from a brick and mortar model of business, that is, we must have, you know, some office or some shop where we want to sell. Ab wo uski cheez ki zarurat hi khatam ho gayi hai. Aaj मैं दिल्ली में बैठ के मैं चेन्नई में माल बेच सकता हूँ सिमिलरली एनी वन हु इज रिसाइडिंग इन चेन्नई ही कैन यू नो सेल प्रोडक्ट्स इन दिल्ली इवन मैं देखता हूँ वो चेन्नई से पता नहीं कुछ तेल वेल मंगाती रहती है एंड वी नो दिस इज हैपनिंग ग्लोबली तो इससे हुआ क्या कि जो बिजनेस जो टैक्स अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया They felt ki yaar, you know, by this digitalization of business, by this digitalization of, and not digital business, by digitalization of business, we have a threat of losing tax revenue. And not only threat, rather it is a fact that we are losing tax revenue. People are floating companies in tax havens and through the web presence, they are selling products in various economies. So the market economies like India or any developed होने लगी कि हम कैसे कमाएंगे and you know they discussed in G20 and then it went to OECD and they decided to come with BEPS you know which Shweta said कि BEPS हम सबको अब तो एक common sa word हो गया what is BEPS which is base erosion and profit shifting and the importance of this digitalization is the very first action point of BEPS if you see The BEPS section 0.1 is on this taxation of digitalized businesses. Ab usko kaise tax kare? They came up with you know various ideas and couple of ideas were you know introducing significant economic presence. Second was you know coming up with an equalization levy. Third is Introduced SEP, India introduced equalization levy, India introduced, you know, to tweak the definition of permanent establishment. So India is very much clear that
You know, we are a market economy. And if any country wants to still product in India, they need to follow the regulations which we are setting. We are no more poor economy, or we are no more, you know, a less developed economy, or we are no more weaker economy. We are very strong economy. And if you want to survive on this earth, you know, you, and if you're looking for a market outside your region, outside your country, then you cannot ignore. And that's why, you know, India came up with the equalization levy SEP, because India was aware a lot of transactions are happening between multinationals and they're trying to avoid the tax. So EL came in 2016, you know, equalization levy one came in 2016. It started with the Google advertisement, you know, which we places on the Google advertisement. And then recently in the last finance bill, we got Finance Act, we got equalization levy two, which is applicable on, you know, other e-commerce transactions. And in between, India also came up with the significant economic presence principle, you know, which Shweta discussed in length. So what is equalization levy? Equalization levy is a levy which I want to create some level playing field between the companies, those who have got web presence, and the companies, those who have got physical presence. तो जिसकी धरती पे प्रेजेंस है और जिसकी आसमान वेब पे प्रेजेंस है, उन दोनों को इक्वलाइजेशन करने के लिए वी इंट्रोड्यूस इक्वलाइजेशन लिवाई एंड इट वाज बेस्ड ऑन वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ओईसीडी अंडर द बेच प्रोजेक्ट। सो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भाई अब मुनीश भाई है, मुनीश भाई कहते हैं कि यार मान लेते हैं अब शक्ल से इतने गोरे चिट्टे हैं, अमेरिकन लगते हैं या कैनेडियन लगते हैं, मुनीश भाई कैनेडियन मान लेते हैं आपको। अब मुनीश भाई कैनेडियन है, अब वो कहते हैं यार मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, अब इंडिया में बिजनेस करना है तो आते हैं इंडिया में सेटअप करते हैं कंपनी, और अब तो मेरा बिजनेस देखिएगा, अब वो गुड्स आते हैं हम बेचते हैं, भारत सरकार को टैक्स मिलता है। अब हमारे अनिल कुमार श्रीवास्तव जी शुरू से ही हाई फाई रहे हैं, मतलब हमारे तो गुरु हैं, इनसे टैक्स सीखते हैं, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी पे बड़ी एडवांसमेंट कर ली और अब ये इंडिया से फ्लाई करके चले गए यूएस और डेलावेयर में एक कंपनी खोली और वहाँ आईटी वाईटी वेबसाइट सेट करा। उन्होंने कहा यार ये दीस गाइस मुनीश एंड गौरव दे डू नॉट नो टैक्स, आई नो हाउ टू सेव अ टैक्स। सो ही क्रिएटेड सम यू नो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ही स्टार्टेड सेलिंग गुड्स टू इंडिया थ्रू दैट वेब प्लेटफॉर्म। फेसबुक से कॉन्टैक्ट किया, गूगल से कॉन्टैक्ट किया और अपने यारों दोस्तों को बोल के इंडिया में एक अपनी अच्छा पोर्टल की पब्लिसिटी करा दी। अब हुआ मुझे डांटते हैं, अरे गौरव तो कुछ सेल ही नहीं कर पा रहा, वो देखो अनिल जीत ने तो सिर्फ वेबसाइट खोलिया उससे कितना अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। अब वो सीधा लोग जाते हैं वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, बड़ी हाई फाई वेबसाइट और पैसे पे कर देते हैं और काम हो जाता है। सो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड अनिल जी जो काम कर रहे हैं उसमें जो उनकी बिजनेस इनकम हो रही है उस पर इंडिया इज नॉट गेटिंग टैक्स एंड इंडिया इज एन एग्जाम्पल। It is equally applicable on all the market economies. But when it comes to people like, you know, Munish ji, and he appointed me as an agent. Just 1 minute. Munish ji and me, you know, he appointed me as an agent, you know, so we have a web presence and we need to pay taxes in India. अब इन दोनों को ब्रिज करने के लिए आई थिंक यू नाउ यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर ऑन द एग्जांपल। इस गैप को ब्रिज करने के लिए ओईसीडी सेड लेट्स हैव इक्वलाइजेशन लिवाय, उसमें कोई रेट वेट नहीं दिया एंड इट वाज काइंड ऑफ अ यू नो काइंड ऑफ अ ऑप्शन व्हिच इज स्टिल नॉट फाइनलाइज्ड। नाउ देयर इज यू नो अ यूनिलैटरल मेजर एंड अ बायलैटरल मेजर। बायलैटरल मेजर और लेट्स से यू नो अ कंसेंसस बेस्ड मेजर। So OECD is trying to approach a consensus-based measure. Ki let's have, you know, common consensus. They say DTAs, I double taxation avoidance agreements. I, you know, they are consensus. You know, countries have agreed to tax particular income based on certain set of rules which are globally accepted. But as far as we do not have common consensus, we are not able to build common consensus.
And the recent common consensus, if you see, is, you know, the 15% tax, you know, which is the minimum tax rate on which almost, I think, 130 countries have agreed recently in Germany. And, you know, the credit does not go to the OECD. If you read news, you know, the credit is going to US and Joe Biden administration. Now, if, you know, if 15% credit is going to Joe Biden, which is a minimum tax on which countries have agreed, and India is part of that agreement. So equalization levy, or, you know, how to tax digital businesses, if the consensus is not building up, does not want, you know, to fix equalization levy, or, you know, to collect, you know, to allow other companies, other countries to collect tax on digital business. Because is sabka sabse bada sufferer kaun hoga? US hoga, because US has got most of the companies, you know, jo digitally transact kar rahi hain, ya those who have advanced to a high level, and, you know, those who have got web presence. So US does not want ki digital tax ho. So we are not able to build the global consensus, but still it is an option given by OECD. So what India did safely, and I really appreciate what stand India took, and it's a proud moment for us that India took a very firm stand. Hey, look, you know, I'm going to collect a tax. And let me introduce this. Under the global rule, we have agreed that, you know, agar mujhe tax karna hai, to aapki physical presence honi chahiye, yeah, it should be FTS, it should be royalty. And we know equalization levy mein yaar, ab Anil ji globally sell kar rahe hain, online sell kar rahe hain, kaise tax karunga? So let's bring it through a separate section in a finance act instead of the income tax act. So income tax act mein nya laake, finance act mein le aaye, section 165 in 2016 and section 165A in 2020. So section 165A is primarily applicable on the non-resident, and if that non-resident is a manager or administrator or the owner of an e-commerce platform. Ab wo e-commerce platform se agar kuch goods ya services to us pe tax lagega. Ab usme agar uske India mein permanent establishment ho jati hai to nahi lagta, because India ko otherwise fir permanent establishment se mil jayega. So there are certain exceptions, you know, to this rule. There is in Finance Act 2021, jo definition hai, online supply of goods or services ki, it has expanded, and it even includes payment of online payment. So I think, Munish bhai, this was the brief on equalization levy. And if someday you can allow me 1 hour, we can have detailed discussion on equalization. Thank you, Gaurav, for elaborating on equalization. Gaurav, before you, Munish, you please your vote of thanks, sir, please. No, one minute. Gaurav, just a passing reference. What is the rate of rate at which it is to be paid? Sir, rate for equalization levy, which was introduced in 2016, which is applicable on advertisement, wherein we need to deduct the tax, which is more of a B2B in nature, the rate is 6%. Mm. But wherein it is, you know, on the e-commerce operator, there is no TDS. It is not actually the TDS. It is, let's say, if I am buying the goods from you, you are a, you know, e-commerce operator, so I need not deduct any tax, you know. So tax would be payable by you at the rate of 2% of the consideration received by you. So Munish bhai, fatafat ek ghanta de dijiye kabhi bhi next week mein. Next time, no problem. Jo aaj usse gustakhi ho gayi, wo no problem, chal raha hai, ho jata hai aaj. Theek hai, thank you Gaurav. So I thank all the participants. I think 3 hours सुनने के बाद लोग थक भी जाते हैं, तो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं ऑनलाइन. So I thank all of you for participating in the seminar. Thank you, Gaurav. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Munish. I am closing the seminar. Thank you. Thank you. Thank you, Nilji. I will wait for the another opportunity. Good to see you after a long time. Same here, sir. Is it? Abhi e-commerce se dekho, itne connected ek cheez bata do.
Now the development of technology has also helped people to not to be dependent totally on their physically in their office. See, I am here in Bangalore, and from here I'm working matters in travel. Correct, sir. That's a big, I completely agree. When we started last year, in Federation, I organized a couple of webinars. I said every challenge, every new challenge creates a new opportunity. See, COVID was a challenge. Besides the opportunities in medical field, we had opportunities in technology. We had the institute's live programs, but then how many of us were really watching those programs? But now, when it's through webinars, so like Zoom and WebEx, etc., so many people are, virtually, I would say, hardly there would be any professional who has not used this particular methodology. Sabke sabhi apna, everyone has to use it. सर वो कहते भी है ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को लेटेस्ट चीजों के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग अपना खुद और देखो मतलब वेरी सिंपल थिंग बिसाइड्स दिस ऑटोमोबाइल द वे द ऑटो इंडस्ट्री हैज चेंज्ड द वे द लोकल ट्रेवल हैज चेंज्ड आज से वो जो अभी 10-12 साल पहले थे ये शुरू हुआ ना मेट्रो 10-12 साल पहले शुरू हुई उससे पहले क्या हाल था इज द यूबर और ओला जहाँ पे पहले कार खरीदना एक वो होता था कि भाई हम कार बाय करें नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन सम अदर साइकिल नो यूज यू सी आई टेल यू माय एक्सपीरियंस स्पेशली लास्ट For last 1.5 years, kuch nahi, simple. I would say the two cars that I'm maintaining, I'm having. Uski jo insurance hai, insurance of those two cars annual, that is more than the amount that I spend on the Uber and Ola. Insurance, kisi ki bhi insurance thodi si bade ho hai. Insurance is also now costly. 14-15 thousand rupees each car. So if you're paying about 25,000 to 30,000 rupees, on maybe that much of that sort of an amount, you're not even spending on Uber. Things are changing, sir. So let's see. And we need to adopt all these technical changes. And I personally feel the bank audits, you know, most of our friends, you know, who lost their life, wo kahin na kahin bank audit se aaye the. Yeah, they got connected to the bank audit. So, you know, something which must that could be any that could be one of the reasons. So bank unfortunate audit now usko hame office se hi kar dena chahiye so that hamare members at least in the COVID period, you know, for next 1 year, 1.5 years. And especially you are right that those who ventured out, for them it became very difficult. I know many guys, you know, who lost life because of the one of my nephews, he was in marketing. They were an engineer and with a very big company, in a very respectable position in the company, general manager. And just about 40 years of age, he got COVID and then we lost him. Pretty bad. I think on technology, as far as our profession is concerned, हमें जो नेक्स्ट तैयारी करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हाउ वी कैन डू ऑडिट बाय सिटिंग यू नो विद इन अवर ऑफिस एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग कंपनीज आई थिंक सक्सेस इसकी तभी होगी व्हेन स्मॉल बिजनेसेस को हम गवर्नमेंट बिकॉज हम कह देंगे सर एक लगा लो सॉफ्टवेयर वो नहीं मानेगा लाला नहीं मानेगा अंटिल इज देर इज सम कंपल्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं दोज कैन बी यू नो ऑडिटेड ऑनलाइन दोज कैन बी वेरीफाइड ऑनलाइन तभी यू नो द ऑडिट प्रोफेशन विल गो टू द नेक्स्ट लेवल वरना अगर आज कोई अपना लोकल व्यापारी है हु हैज गॉट सम शॉप इन चांदनी चौक और वो अभी पुराने स्टाइल से ही कर रहा है तो उसको ऑडिट करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा देयर शुड बी सम मैंडेट यू नो व्हिच शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि बिजनेसेस नीड्स टू मेंटेन डेटा इन दिस स्पेसिफाइड फॉर्मेट व्हिच कैन बी वेरीफाइड ऑनलाइन आई थिंक गौरव ग्रेजुअली पीपल विल अंडरस्टैंड दैट अब बहुत जगह आप देखो छोटी छोटी जगह पे भी स्मॉल बिजनेसेस इवन They are online. And the way the business is changing,
when you find so many a particular brand having so many outlets and you can do a transaction, aapne ek jagah se ek dukaan se purchase kiya ek location se, you don't like it and you want to return it at another location, they accept it. Correct. So that means their systems are such that they do have this mobility that, okay, besides doing their audit, but before conducting their business, then the information is readily available. Now, and what will be the modus? Obviously, whatever they have, it will only be that they will have to share the systems. That you could also probably access their systems, maybe in a limited way. You access the systems and you conduct an audit. Correct, sir. So, it is a pleasure talking to you. Good. We'll look forward to your detailed talk on equalization levy. Certainly, I would be waiting for it, sir. I think what we can do is, because I tell you, international tax means there come logo ka interest hota hai kyunki jyada work. So let it be in the capsule forms, that once we take a particular capsule, then another capsule, then third time. That could be a series of sessions. Right, Gaurav. Yeah, sir. Thank you. Okay. Thank you.